आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे। तो आ गए आप लोग प्रीमियर प्रो सीखने के लिए, सॉरी मजाक कर रहा था। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं। ऑलमोस्ट 2-3 महीना हो गया चैनल में कोई भी वीडियो नहीं आया था, मैं कोई और काम में बिजी था इसलिए वीडियो बना नहीं पा रहा था। वैसे मैं सारे कमेंट चेक करता हूँ और वहाँ पे बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि वीडियो एडिटिंग कहाँ से सीखें। तो बहुत सारे लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए या फिर और कहाँ से सीख सकते हैं। तो फाइनली मैं एक फुल ऑन वीडियो लेके आया हूँ वीडियो एडिटिंग का प्रीमियर प्रो के ऊपर। ये जो वीडियो है आप इसको एक ट्यूटोरियल नहीं एक क्रैश कोर्स कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं इन एंड आउट सब चीज़ बताया हूँ। एज ए बिगिनर आपको एडिटिंग में जो जो चाहिए वो सारा चीज़ मैं यहाँ पे कवर किया हूँ। अब जिनको प्रीमियर प्रो के बारे में नहीं पता, थोड़ा ओवरव्यू देना चाहता हूँ। प्रीमियर प्रो एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, इसमें बॉलीवुड हॉलीवुड तक का काम भी होता है। जो बड़े बड़े बैनर्स की मूवी होते हैं ना, ये प्रीमियर प्रो पे ही एडिट होता है। जो बड़े बड़े आप यूट्यूबर देखोगे एडिटर देखोगे वो सारे प्रीमियर प्रो ही यूज़ करते हैं। कुछ कुछ लोग हैं जो FCP वगैरह भी यूज़ करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केस प्रीमियर प्रो ही लोग यूज़ करते हैं। अब ये इतना पॉपुलैरिटी होने के पीछे एक कारण ये है कि ये बहुत इजी टू यूज़ है, बहुत इजी है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है चीज़ों को, आपको बहुत इजीली और बहुत जल्दी आप ये सीख जाएंगे। बट यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है कि ये सॉफ्टवेयर थोड़ा हैवी है, मतलब आपके पास बहुत छोटा सा लैपटॉप है या छोटा कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप है तो उसमें थोड़ा लैग हो जाएगा, थोड़ा स्टक हो जाएगा, ठीक से चलेगा नहीं। लेकिन अगर आपके पास 30-35 हज़ार वाला कोई लैपटॉप है जिसमें कोर i5 या उसके सिमिलर कोई प्रोसेसर है तो उसमें ये बड़े आराम से चले जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये वीडियो में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टार्टिंग फ्रॉम सॉफ्टवेयर कैसे ओपन करेंगे, वहाँ से लेके वीडियो को कैसे रेंडर करेंगे, वीडियो को कैसे आउटपुट निकालेंगे, वहाँ तक सारा चीज़ मैं यहाँ पे कवर किया हूँ। कैसे उसको टाइमलाइन पे लाएंगे, कैसे कट करेंगे, उसके बाद कलर करेक्शन कैसे करेंगे, उस पर ग्राफिक्स कैसे ऐड करेंगे, वो सारा चीज़ जो एज ए बिगिनर आपको ज़रूरत है वो सारा चीज़ मैं यहाँ पे कवर किया हूँ। बस एक ही दिक्कत है यहाँ पे कि ये टॉपिक थोड़ा सीरियस टॉपिक है, यहाँ पे कोई मस्ती मजाक वाला कोई चीज़ है नहीं। ये कोई बीवी के वाइंस या कैरी मिनट का वीडियो तो है नहीं यहाँ पे, ये फुल ऑन ट्यूटोरियल क्रैश कोर्स है। तो हो सकता है कि आपको बीच में बोरिंग लगे, आप बोर हो जाओ, इसलिए आप देखोगे ये वीडियो में मैं पूरा धीरे धीरे बात किया हूँ और बहुत ही स्लो स्लो अब मैं आपको बताया हूँ, स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 आपको बताया हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा इजी हो जाए। मैं चाहता था तो थोड़ा जल्दी और थोड़ा हाई वॉइस में बना पाता, लेकिन उसमें आप इरिटेट हो जाते, आपको इरिटेशन आ जाता, समझ में नहीं आता और आप आधे में ही छोड़ कर चले जाते। इसलिए जो है मैं ये वीडियो को पूरा कम आवाज़ में और पूरा धीरे धीरे बताया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो और लास्ट तक आप बोर ना होए। तो थोड़ा तो पेशेंस की ज़रूरत है यहाँ पे, आपको ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार में ख़त्म कर लो। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो पहली बार में समझ में नहीं आएगा तो वैसे केसेस में थोड़ा उसको आगे जाके फिर से आप चेक कर लो तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और पूरा पेशेंस के साथ इसको आखिर तक देखिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये वीडियो को ख़त्म होते ही आप खुद का एक वीडियो बना पाओगे, उसका गारंटी मैं देता हूँ। इसके बाद और भी एक गुड न्यूज़ है, ये हो गया प्रीमियर प्रो का पूरा ट्यूटोरियल। ऐसे ही फुल ट्यूटोरियल मैं और 3 अलग अलग सॉफ्टवेयर का बना रहा हूँ, जो कि सोनी वेगास प्रो है, फिल्मोरा है और डाविंसी रिजॉल्व है। अब ये तीनों भी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, इसमें भी आप प्रोफेशनल लेवल का काम कर सकते हो विदाउट एनी डाउट। अगले 2-3 दिन के अंदर ये तीनों वीडियो आ जाएंगे चैनल पे, काम ऑलमोस्ट हो ही गया है। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको प्रीमियर प्रो में पूरा इन एंड आउट सब कुछ सीखना है तो मैं एक पूरा डिटेल कोर्स बना रहा हूँ जिसमें कि 15-20 घंटे का कंटेंट होगा और 120 या 130 से ज़्यादा टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊंगा। अब किन किन को वो कोर्स चाहिए मुझे कमेंट में बता सकते हैं तो थोड़ा मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, तो मुझे थोड़ा और जल्दी मैं वो कोर्स लाने के लिए कोशिश करूँगा। तो अगर आपको प्रीमियर प्रो समझ में नहीं आ रहा है या प्रीमियर प्रो आपके सिस्टम में चल नहीं रहा है तो आप वो केसेस में सोनी वेगास प्रो को यूज़ कर सकते हो, फिल्मोरा को यूज़ कर सकते हो। वो काफ़ी छोटा सॉफ्टवेयर है, बहुत कॉम्पैक्ट है, इजीली आप उसमें हाई क्वालिटी का वीडियो बना सकते हो। आपके पास अगर 15-20 हज़ार वाले जो सिस्टम होते हैं उसमें भी वो आराम से चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद और एक चीज़ है, जब आप वीडियो में आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ग्राफिक्स है, बहुत सारे कलर टेम्पलेट्स है जिसको लट्स कहा जाता है और बहुत सारे एनिमेशन वगैरह है और प्रीसेट वगैरह है जो मैं यूज़ किया हूँ, उसका एक बंडल बनाया हूँ मैं। अगर आपको वो बंडल चाहिए तो आप वो बंडल भी ले सकते हो, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें जो भी प्रीमियम लट्स है, जो प्रीमियम एनिमेशंस वगैरह हैं जो मैं खुद यूज करता हूँ, वो सारा आपको मैं शेयर कर दूंगा। उसके साथ ही साथ कुछ कुछ रॉ फुटेज है जो मेरे पर्सनल है,
उसको आप आपके वीडियो में भी यूज कर सकते हैं और वो सारे वीडियोस भी मैं आपको दे दूंगा। तो ये सारा चीज़ें वो बंडल के अंदर आपको मिल जाएगा। तो बस ये था इंट्रोडक्शन, चलिए स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर है वो फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है, वो पेड वाला सॉफ्टवेयर है। उसको आप खरीद सकते हो, साल भर साल आपको पे करना पड़ेगा या मंथली भी पे कर सकते हो। मंथली आपको अराउंड 1400 से 1500 पे करना पड़ेगा, उस हिसाब से साल भर में 15 से 16000 आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन एज अ बिगिनर आपके पास पेमेंट नहीं है तो आप क्रैक व्रैक का जुगाड़ कर सकते हो। एक क्रैक का लिंक मैं नीचे दे दूंगा। वैसे मैं क्रैक को कभी प्रमोट नहीं करता, लेकिन ठीक है, सीखने के लिए क्रैक चलेगा, काम चल जाएगा उसमें बहुत आराम से। आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दें, जैसे सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है वैसे ही सिंपल सा इंस्टॉलेशन है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें एक गाइड भी होगा, उसके अंदर वहाँ पे लिखा हुआ कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे क्या करना है, उसको पढ़ लें तो वो पूरा बता देगा वहाँ पे। तो फिर चलिए ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं और जाते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो गाइस सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बाद चलो स्टार्ट करते हैं। अभी इस प्रीमियर प्रो को ओपन करते हैं। अब जब ओपन करेंगे तो ये थोड़ा टाइम लेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसका मेन वेलकम विंडो आ गया है, यहाँ पे लिखा है वेलकम टू प्रीमियर प्रो। जब भी आप पहली बार ओपन करेंगे प्रीमियर प्रो तभी आपको ऐसे स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक तो न्यू प्रोजेक्ट, दूसरा ओपन प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट मतलब ऑब्वियसली जो आप अगर कुछ नया करना चाहते हो तो, ओपन प्रोजेक्ट मतलब जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है आपके पास। अगर पहले से कोई प्रोजेक्ट में काम किए हो वो है प्रोजेक्ट फाइल आपके सिस्टम पे तो उसको आप ओपन कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे नीचे तीन अलग अलग ऑप्शन है, एक तो प्रीमियर रश है, प्रीमियर रश का अगर कोई प्रोजेक्ट है तो भी ओपन कर सकते हैं। अगर टीम के साथ कुछ प्रोजेक्ट काम कर रहे हो तो यहाँ पे टीम के लिए एक नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं आप। और यहाँ पे अगर कोई पुराना प्रोजेक्ट है जो आप पूरा टीम के साथ काम किया तो यहाँ पे वो प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं आप। यहाँ पे नीचे और एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट न्यू करके, इसका मतलब यही है कि नया प्रोजेक्ट है। तो हम अभी क्लिक करते हैं क्रिएट न्यू पे। अब क्रिएट न्यू करने के बाद ये नया प्रोजेक्ट आ गया जैसे कि मैं बोला था। अब इसमें आपका प्रोजेक्ट डिटेल्स मांगेगा कि आपका प्रोजेक्ट का नेम क्या है। मैं यहाँ पे टेस्टिंग दे देता हूँ, टेस्टिंग प्रोजेक्ट है। इसके बाद ये लोकेशन है, ये आप कौन सा लोकेशन पे इसको सेव करना चाहते हैं। मैं ये मेरा प्रिफर्ड लोकेशन है, आप आपके हिसाब से चूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि डेस्कटॉप में करना है तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे डेस्कटॉप कर सकते हैं क्लिक करके, लेकिन मुझे यहाँ पे करना है तो मैं यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट लोकेशन दिया हूँ। बाकी ये ऑडियो वीडियो का कुछ कुछ ऑप्शन है, स्क्रैच डिस्क का ऑप्शन है, इनजस्ट सेटिंग है, इसको मैं जैसे है एज इट इज रखना चाहता हूँ, मैं इसको कभी भी हाथ नहीं लगाता। तो अभी क्लिक कर देते हैं ओके में। तो ये आ गया हमारा होम पेज। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चार पांच अलग अलग पैनल्स हैं, इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स में जानेंगे। ये भी एक टूल बार है, इसको इसके बारे में भी जानेंगे, ये क्या है इसके बारे में जानेंगे अभी। तो सबसे पहले लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। ये एक टूल बार है जिसको लर्न कहते हैं, मतलब यहाँ पे प्रीमियर प्रो के ओवरव्यू के ऊपर, बेसिक्स के ऊपर ट्यूटोरियल्स है 15 मिनट का। अगर आप किसी कुछ भी नहीं पता तो इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्रीमियर प्रो का जो भी बेसिक सेटिंग्स वगैरह है उसके बारे में बताया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको इसको देखना चाहिए क्योंकि इसमें जो भी है इससे ज़्यादा मैं आपको इसी वीडियो में डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको हम क्लिक करते हैं, क्लोज पैनल कर देते हैं। अभी हमारे पास आ गया चार पैनल। तो सबसे ये जो लेफ्ट में नीचे वाला है इसको कहते हैं प्रोजेक्ट पैनल, मतलब यहाँ पे आपका सारा जो भी है डेटा रहेगा, मतलब आपका वीडियो ऑडियो जो भी है ये सब यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको। इसके ऊपर है यहाँ पे सोर्स, नो क्लिप बता रहे हैं, इसको कहते हैं सोर्स पैनल। मतलब मान लो यहाँ पे कोई वीडियो है आपका, इसको प्ले करना चाहते हो तो इसको यहाँ पे डबल क्लिक करने में यहाँ पे प्ले होगा। मैं आपको बाद में पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, बस यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसका सोर्स पैनल है, यहाँ पे ये टाइमलाइन है, ये जो है ये मेन चीज है, यहाँ पे हम काम करने वाले हैं। और ये हमारे प्रोग्राम विंडो है, मतलब यहाँ पे जो भी काम होगा टाइमलाइन पे यहाँ पे दिखेगा। अभी ये जो साइज देख रहे हो ये डिफॉल्ट साइज है, बट इसको आप आपके हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, आपके जैसा रिक्वायरमेंट है आप उसको उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं मैं इसको इधर उधर ऊपर नीचे साइड में जो भी जैसा भी चाहे वैसा कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको अगेन वही सेम जाना है जैसे कि पहले था
तो यहाँ पे जाना पड़ेगा आपको विंडोज वर्कस्पेस और इसके बाद रीसेट टू सेव लेआउट, यहाँ पे क्लिक करने से जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे टॉप में आपको कुछ कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि असेंबली हो गया, एडिटिंग, कलर्स, इफेक्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, लाइब्रेरी। अब इसका काम भी हम पूरा जानने वाले हैं, अभी मैं ओवरव्यू बता देता हूँ। असेंबली का मतलब है यहाँ पे आप सारा चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, मतलब पूरा डाटा असेंबल करते हैं और इसको कैटेगराइज करने में इजी हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद है एडिटिंग। एडिटिंग का मतलब आपको पता ही होगा, यहाँ पे सब मेन काम एडिटिंग पे होता है। यहाँ पे आपका टाइमलाइन सेट हो गया, क्रॉप हो गया, जो भी है, जो मेजर मेजर जो काम है यहाँ पे हो जाता है एडिटिंग पे। उसके बाद कलर, मतलब कलर करेक्शन, जब टाइमलाइन सेट होने के बाद हमारे फुटेज पे कलर करेक्शन होता है, वो सब यहाँ पे कलर पैनल मिल जाएगा हमको। उसके बाद है इफेक्ट, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आपके प्रीसेट से, लिमिटरी प्रीसेट से, ऑडियो इफेक्ट, ऑडियो ट्रांजेक्शन, वीडियो इफेक्ट, वीडियो ट्रांजेक्शन, यहाँ पे मतलब आप आपके ऑडियो और वीडियो में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स और इफेक्ट जो डाल सकते हैं वो सारा यहीं पे है। अगेन ये सब के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे, अभी ये बस ओवरव्यू है। इसके बाद जाते हैं ऑडियो में। ऑडियो मतलब सिंपल सी बात, जब आप आपका क्लिप यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे तो आप आपके ऑडियो में एनहांस कर सकते हैं, उसमें ऑडियो बहुत सारे इफेक्ट लगा के आपके ऑडियो को एनहांस कर सकते हैं। ग्राफिक्स का मतलब आप आपके जो लोअर थर्ड हो गए, इंट्रो है, आउट्रो है, आपके जो टाइटल्स, एनिमेशंस वगैरह है, वो सब यहाँ पे काम कर सकते हैं। लाइब्रेरी में ज़्यादा हमको जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जनरली यूज़ नहीं करता लाइब्रेरी, बस यही जो चीज़ें हैं इसी को हम एक्सप्लोर करेंगे और यही मोर देन एनफ है। तो ये था एक बेसिक ओवरव्यू, इसके बाद हम डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो दोस्तों बस एग्जांपल के लिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ एक क्लिप इंपोर्ट करके। यहाँ पे असेंबली पे जाते हैं, यहाँ पे लिखा है देख सकते हैं इंपोर्ट मीडिया टू स्टार्ट, तो यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और कोई मेरा ही वीडियो यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। ये एक मेरा वीडियो है पुराना वाला, इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे वीडियो आ गया मेरा। अभी जाते हैं एडिटिंग पे। आपको जैसे कि बताया था ये सोर्स विंडो है, सोर्स मतलब यहाँ पे जो भी है ये क्या है जानना है, तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और यही सेम वीडियो यहाँ पे प्ले होगा। अगर यही वीडियो को हम खींच के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं टाइमलाइन पे, तो ये एक नया सीक्वेंस बन गया। सीक्वेंस मतलब ये एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे, और एक सीक्वेंस क्रिएट हो गया यहाँ पे। अभी हम इसको अपने हिसाब से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, लंबा बड़ा कर सकते हैं, जहाँ पे चाहे वहाँ पे कट कर सकते हैं, ऐसा कट करके यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। इसको फिर से यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे हम बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब जाते हैं कलर्स पे। जैसे कि मैं आपको बताया था फुटेज का जो कलर है उसको ये कलर वाले टैब में काम किया जाता है। अभी आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक्स करेक्शन है, तो मैं यहाँ पे एक्सपोजर को कम ज़्यादा कर सकता हूँ, कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट को कम ज़्यादा कर सकता हूँ, टेम्परेचर है जैसे कि लाइट रूम में है वो सब है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे टेम्पलेट्स वगैरह है, हम बहुत सारे टेम्पलेट्स ऐड कर सकते हैं। ये सब के बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे, ये बस एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। इसके बाद जाते हैं इफेक्ट्स में। जैसे कि इफेक्ट्स में बताया आपको बहुत सारे प्रीसेट्स है, प्रीसेट्स मिल जाएंगे, वीडियो ट्रांजेक्शन वगैरह मिल जाएंगे। इसके बाद है ऑडियो। ऑडियो में भी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज आ गया। अभी ऑडियो पे हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर सकते हैं। और ग्राफिक्स में हम टेम्पलेट्स ऐड कर सकते हैं, लोअर थर्ड ऐड कर सकते हैं, जो भी टाइटल जैसे हमको चाहिए वो सब ऐड कर सकते हैं, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये बहुत ईजी है एक्चुअली। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल आ गया, ये टाइटल को भी कम ज्यादा कर सकते हैं, देख सकते हैं अभी छोटा बड़ा इजीली कर सकते हैं इसको। इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे ये वीडियो में। तो ये था एक सिंपल सा ओवरव्यू। तो गाइस अभी तक हमने जो देखा था वो एक ट्रायल था, वो एक सैंपल में आपको दिखाया था। अभी एक्चुअली वीडियो स्टार्ट होने वाला है, अब से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा, तो आपको समझने में बहुत आसान हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 है इंपोर्टिंग क्लिप्स।
वीडियो स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियसली हमको सारे मीडिया फाइल्स को यहाँ पे लाना पड़ेगा, और उसके लिए यहाँ पे दो रास्ते हैं, दो तरीके से आप फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं आपके जो मीडिया फाइल्स है। सबसे पहले यहाँ पे आप जा सकते हैं फाइल में, फाइल में यहाँ पे इंपोर्ट लिखा है, इंपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये नया विंडो पॉपअप होगा। यहाँ पे आपका जहाँ पे भी फाइल है उसको आप ला सकते हैं, जैसे कि मेरा डेस्कटॉप में मैं कुछ फाइल रखा हूँ, सैम्पल फाइल, इसको हम एडिट करेंगे। इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे लिखा है इंपोर्टिंग फाइल्स, ये आ गया आपके फाइल। यह पहला तरीका था कि यहाँ पे फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फाइल के लोकेशन पे जाके उसको लाएंगे। दूसरा तरीका, आप डायरेक्टली ये जो एरिया है खाली एरिया, इसमें आप क्लिक कर सकते हो डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद वही सेम तरीका है जहाँ पे आप अपने फाइल को ला सकते हो। अब ये मैं वीडियो लेके आ गया हूँ, अब हम लाएंगे कुछ ऑडियो। ये मेरा कुछ ऑडियो फाइल्स है, इसको मैं लेना चाहता हूँ, तो बस उसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ओपन करना है क्लिक, और यहाँ पे इंपोर्ट फाइल, वही सेम जैसे कि आप पहले देखे थे। यहाँ पे नया फाइल्स जो है वो आ गए हैं, ये दोनों ऑडियो फाइल है, ये वीडियो फाइल है। अब कुछ फोटोज को लेके आएंगे, सेम यहाँ पे डबल क्लिक, और जहाँ पे फोटोज है वहाँ पे जाएंगे, इसको हम इंपोर्ट करेंगे, जो भी लेना है इसको सिलेक्ट करना है, अगेन ओपन, ये चारों फोटो आ गए यहाँ पे। तो गाइस ये था इंपोर्ट करने का सिंपल तरीका, दोनों तरीका आपको बताया मैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टेप नंबर 1 इंपोर्टिंग क्लिप्स या इंपोर्टिंग मीडिया फाइल्स, और अब जाते हैं स्टेप नंबर 2 पे जो कि ऑर्गेनाइजिंग है। देखिए अभी तो हम ये सारे फाइल लेके आ गए हैं, लेकिन हम अगर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो जब हम काम करेंगे तब हमको बहुत सारे प्रॉब्लम होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत कम फाइल है, ये सिर्फ सैंपल फाइल मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। लेकिन जब आप काम करोगे प्रैक्टिकली कोई क्लाइंट के प्रोजेक्ट में, वहाँ पे बहुत सारे फाइल्स होने का चांसेस है, कभी कभार 40-50-60 फाइल होते हैं वहाँ पे, छोटे छोटे वीडियो फाइल्स, क्लिप्स, फोटोज, ऑडियो, बहुत सारे ऐसी चीजें होते हैं। उसके बाद प्लगइन्स होता है, अगर आप सबको लाके ऐसे ही छोड़ देंगे तो आपको काम करने के टाइम ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत सारे ऐसे मिक्सअप हो जाएंगे फाइल्स, उस टाइम आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन है कि बेटर ऑर्गेनाइजिंग, जब भी आप फाइल को इंपोर्ट करेंगे तुरंत उसको ऑर्गेनाइज कर दीजिए ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑर्गेनाइज करने के लिए हमको सबसे पहले सेपरेट फोल्डर बनाने पड़ेंगे, और यहाँ पे हम फोल्डर बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे न्यू बिन लिखा है, इसको क्लिक करेंगे एक नया फोल्डर यहाँ पे क्रिएट होगा, इसको हम नाम देंगे वीडियो का भी, और इसमें तीनों वीडियो को डाल देंगे। बस इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यहाँ से खींच के लाना है, वीडियो के ऊपर छोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं वीडियो का जो फोल्डर है उसके अंदर 3 फाइल आ गए हैं। वैसे ही हम और एक फाइल बनाएंगे ऑडियो का, जितने सारे ऑडियो फाइल्स है वो सारे ऑडियो फाइल्स उसके उसी फोल्डर के अंदर डाल देंगे। और एक फाइल बनाएंगे फोटोज का, जितने सारे फोटोज है उसके अंदर डाल देंगे। वैसे जब आप बड़े प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फुटेज रहेगा, जैसे कि ड्रोन का शॉट रहेगा, तो एक फोल्डर बना देंगे ड्रोन के लिए, और मान लीजिए कि GoPro का कोई ये है तो एक फोल्डर बनाएंगे GoPro के लिए। तो सारे ड्रोन का फुटेज वही ड्रोन के फोल्डर में जाएगा, GoPro के फुटेज GoPro के इसमें जाएगा, और कैमरा 1-2 अगर है तो 2-3 वीडियोस के अंदर भी आप 2-3 बना सकते हैं कैटेगरी, कैमरा 1-2, ये जैसे आपके ऊपर है, आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे बना सकते हो, क्योंकि फाइल ऑर्गेनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये आपके वर्क फ्लो को बहुत फास्ट कर देता है। जब भी आप काम करोगे तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपके सारे फाइल्स ऑर्गेनाइज्ड वे में हैं, जिससे कि आपको काम करने के टाइम बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। इसका अगेन मैं आपको दिखाऊंगा जब हम आगे बढ़ेंगे, इसका फायदा मैं आपको बताऊंगा। बीच में डाल देंगे प्रमोशन का क्लिप। तो गाइस ये था ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट, आपको समझ में आ गया होगा कि आपके वीडियो और आपके जो सारे मीडिया है उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है और ऑर्गेनाइजिंग का बेनिफिट क्या है। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ जो कि क्रिएटिंग ए सीक्वेंस है। तो गाइस अभी हम बात करने वाले हैं
पॉइंट नंबर थ्री जो कि क्रिएटिंग ए सीक्वेंस है। देखिए कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें उसका सीक्वेंस क्रिएट करना पड़ेगा, और सीक्वेंस क्रिएट करने के लिए आपको आपका जो वीडियो या ऑडियो या फिर जो भी मीडिया है उसको आपको सिंपली टाइमलाइन पे ड्रैग करना है। तो मान लीजिए कि ये जो फुटेज है इसको मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसी का एक सीक्वेंस क्रिएट हो गया, यहाँ पे सीक्वेंस लिखा हुआ आ रहा है, ये एक नया सीक्वेंस क्रिएट हो गया है। अभी आप इसी सीक्वेंस पे आपका जो प्रोजेक्ट उसका काम कर सकते हैं। अब ये सीक्वेंस क्रिएट होने के बाद आपको जो जो भी मीडिया फाइल्स चाहिए होंगे वो सारे आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि ऑडियो फाइल्स अगर चाहिए तो ऑडियो फाइल्स ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ये पहला फाइल, ये दूसरा फाइल, आप ऐसे लेयर बाय लेयर कर सकते हैं। ये मैं अभी आपको बताऊंगा पूरा पॉइंट बाय पॉइंट, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और इसके बाद अगर आपको फोटोज चाहिए होगा, जो जो मीडिया फाइल्स चाहिए वो सारे आप ले सकते हैं। यहाँ पे फोटो डाल दिए, ये फोटोस यहाँ पे लेके आ गए, अब ये फोटो यहाँ पे लेके आ गए, पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम है, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है। तो अभी ये सीक्वेंस का ये है, अगर आपको ये सीक्वेंस डिलीट करना है या फिर कोई नया सीक्वेंस करना है तो यहाँ पे आपको क्लोज करना है, बंद हो जाएगा। देखिए सीक्वेंस डिलीट हो गया। यहाँ पे अगर कुछ नया सीक्वेंस आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, या फिर वही सीक्वेंस को दूसरी बार ओपन करना है तो यहाँ पे जाइए, ये सीक्वेंस का फाइल है, इसको राइट क्लिक करके ओपन इन टाइमलाइन है इसमें क्लिक कीजिए, तो फिर से ये ओपन हो गया आपका सीक्वेंस, वही सारे फाइल आ गए। अभी इस पे आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये था सीक्वेंस कैसे क्रिएट करना है और उसमें फाइल कैसे ऐड करने है, उसके ऊपर जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है बेसिक एडिटिंग। तो गाइस अब जानते हैं हम बेसिक एडिटिंग के बारे में, बेसिक एडिटिंग क्या होता है, कैसे करते हैं। तो अब ये जो भी है फिलहाल इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, पूरा बिगिन से स्टार्ट करते हैं। अब जाते हैं एडिटिंग पे, बेसिक एडिटिंग के लिए। एडिटिंग में जो है आपको बेसिक इस तरह का लेआउट देखने के लिए मिलेगा, इसको आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे मनमर्जी वैसा कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी जैसा है वैसे ही रहने दूंगा। हम जाते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट पे हमें क्या चाहिए वो लेके आना पड़ेगा, जैसे कि सीक्वेंस रेडी हुआ है, मैं दो तीन फाइल लेके आऊँगा, ये एक वीडियो फाइल है इसको मैं लेके आ गया। तो गाइस अब यहाँ से अगर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे टाइमलाइन पे तो ये पूरा वीडियो आ जाएगा, लेकिन अगर आपको वीडियो का कोई छोटा सा पार्ट अगर लेके आना है तो ये वीडियो पे यहाँ पे डबल क्लिक करिए, यहाँ पे सोर्स पैनल है, सोर्स पैनल में ये पूरा वीडियो डिस्प्ले होगा, आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो मार्क इन है, मार्क इन का बटन है, मार्क आउट का है, ये मार्क इन के बटन को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब वीडियो यहाँ से पिक होगा। और अगर मार्क आउट का बटन यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो मार्क आउट का बटन यहाँ पे होगा। उसके बाद अगर हमको बस इतना ही चाहिए तो हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो आप देख सकते हैं बस इतना ही आया ये वीडियो पे और बाकी एरिया यहाँ पे टाइमलाइन पे आया नहीं है। तो अब ये दोनों को हम डिलीट कर देते हैं, ये दोनों की जरूरत नहीं है, हमको ये छोटा सा क्लिप की जरूरत था तो हम इसको ले आए अभी। उसके बाद अगर ये वीडियो, ये दूसरा वीडियो, ये वीडियो का अगर कुछ क्लिप चाहिए तो यहाँ पे मार्क इन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जितना चाहिए उतना अब यहाँ पे मार्क आउट पे करेंगे और ये वीडियो को यहाँ से ड्रैग करेंगे। अब एक फर्क है आप देखना चाहेंगे, अब ये सिलेक्ट होने के बाद ये जो एरिया सिलेक्ट हो गया हमको इतना चाहिए, अगर इसका ऑडियो वीडियो दोनों चाहिए तो हमको यहाँ से ड्रैग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वीडियो भी आ गया, ऑडियो भी आ गया, लेकिन हमको अगर सिर्फ ऑडियो चाहिए या सिर्फ वीडियो चाहिए तो हम इसको यहाँ से भी ले आ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रैग वीडियो ओनली लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर ड्रैग करेंगे तो सिर्फ वीडियो आएगा, ऑडियो नहीं आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है ड्रैग ऑडियो ओनली, यहाँ से अगर ड्रैग करेंगे तो उतने का सिर्फ ऑडियो आएगा, वीडियो नहीं। इसके बीच में एक चीज आप नोटिस कीजिए, ये जो टाइमलाइन है यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे चीजें हैं, ये बीच में दो लाइन है, दो लाइन मतलब ये डिवाइडर है, ऊपर का जो है वो वीडियो पार्ट है, नीचे जो है वो ऑडियो है। यहाँ पे आप वीडियो को हाइड कर सकते हैं, जो आई बटन है इसको अगर क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको क्लिक करते ही यहाँ पे वीडियो बंद हो जाता है, दिखता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे लॉक का एक बटन है, इसको अगर हम प्रेस करते हैं तो ये वीडियो, ये जो पूरा लाइन है ये लॉक हो जाता है। यहाँ पे
और कोई एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, आप जैसा है वैसा ही रहेगा। उसके बाद दोस्तों, अगर आपको ये जो टाइमलाइन है इसको अगर जूम इन जूम आउट करना है, तो नीचे ये स्क्रॉलर है, इसको हम क्लिक करके जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो छोटा रहेगा तो यहाँ पे एडिटिंग करना मुश्किल है, तो इसको हम पूरा जूम कर सकते हैं। उसके हिसाब से हम इसको आगे पीछे करने में बहुत इजी होगा। ये फुटेज को यहाँ पे ऐसे लेके आ सकते हैं। सेम यहाँ पे भी आपको एक स्क्रॉल बार मिलेगा, आप आपके टाइमलाइन के ऑडियो के डिवीजन और वीडियो का जो डिवीजन है उसको भी छोटा बड़ा कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पे ऐसे करेंगे तो बड़ा आ जाता है, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दूंगा, ये टाइमलाइन देख सकते हैं कितना बड़ा हो रहा है, ये ऑडियो का और ये वीडियो का दोनों का। आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं, फिलहाल तो मैं अभी इसको छोटा कर दूंगा। अब ये जो हमारा वीडियो है ये बस एक ही लेयर पे है, ये वीडियो वन है, वीडियो वन है और ऑडियो वन, ये जो एक ही लेयर पे है। हम यहाँ पे जितना चाहें उतना लेयर ऐड कर सकते हैं, मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे अगर और कुछ आपको इसके ऊपर ही और कुछ वीडियो ऐड करना है तो इसको हम यहाँ पे लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और एक लेयर ऐड हो गया, अगर यहाँ पे और कुछ लेना है तो यहाँ पे और एक लेयर ऐड हो गया। आप जितना चाहे मर्जी उतना लेयर ऐड कर सकते हैं। सेम टू सेम ऑडियो में भी, अगर ऑडियो को यहाँ पे लेना है तो यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं ऑडियो को, उसके बाद उसको नीचे लेना है तो नीचे भी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर हम इसको छोटा करना चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा क्रसर एक एरो मार्क है, लेकिन हम साइड में लाते हैं तो ये रेड कलर हो जाता है, तो यहाँ पे क्लिक करके हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं क्लिप को, इसको भी इधर भी आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप आगे पीछे ड्रैग कर सकते हैं। अगर पहले जैसा था वैसा करना चाहते हैं तो सिंपल कंट्रोल एंड जेड कर देंगे तो जैसा था वैसा हो जाएगा। अब शॉर्टकट के बारे में बाद में जानते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये आप देख सकते हैं एक ब्लू कलर का ये पॉइंटर है, इसको हम यहाँ पे ये जो ब्लू पॉइंट है इस पे क्लिक करके होल्ड करके इसको आगे पीछे कर सकते हैं। हमारे टाइमलाइन पे कहाँ पे हमें कट करना है, कहाँ पे रुकना है, ये एक मैग्नेट लाइन की तरह काम करता है। यहाँ पे ऐसे लेके जाओगे तो ये पूरा मैग्नेट की तरह ठक करके चिपक जाएगा। तो दोस्तों, ये जो है अभी हमारा मेन क्लिप है, इसके ऊपर हमें और कुछ ऐड करना है तो हम फिर से यहाँ से, मैं जैसे आपको बताया कि सिर्फ वीडियो मतलब अपना जो बी रोल अगर कुछ है तो उसको भी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर बताऊंगा एग्जांपल, यहाँ पे इसको हम छोटा सा कर देंगे और एक छोटा सा पर्सन हम यहाँ पे वीडियो के ऊपर ऐड करेंगे, तो ये प्ले होने के साथ साथ, जैसे कि मैं अब ये मेन वीडियो के ऊपर एक बी रोल वीडियो ऐड कर दिया, तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे ऐसा प्ले होगा। तो ये बहुत सिंपल है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको। तो दोस्तों, बस ये था बेसिक्स एडिटिंग के ऊपर, मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टूल्स और शॉर्टकट के बारे में। तो अब गाइस, हम लोग जानने वाले हैं टूल्स एंड शॉर्टकट के बारे में। तो गाइस, आप लोग अभी ये नोटिस कर रहे होंगे कि ये बहुत सारे चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे ये एक टूल बार है और यहाँ पे भी बहुत सारे टूल्स हैं। आप लोग वीडियो एडिटिंग के समय इसको भी यूज कर सकते हैं ताकि आपके वर्क फ्लो थोड़ा इजी हो जाए और थोड़ा फास्ट हो जाए। तो अभी हम इसके बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं कि ये सब क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये एरो मार्क से, इसको कहा जाता है सिलेक्शन टूल। और ये जो टूल है ये आपका डिफॉल्ट रहता है, इसमें आप सिलेक्शन कर सकते हैं, कोई भी फुटेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ट्रैक करके ऐसा खींच के यहाँ पे सारे फुटेज को सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर इसी एक को क्लिक करने से एक सिलेक्ट होगा, ये एक फुटेज सिलेक्ट होगा, या फिर एक या वीडियो क्लिप सिलेक्ट हुआ, या फिर इसी एक क्लिप को सिलेक्ट करना है तो इस पे क्लिक करना पड़ेगा, या फिर सबको सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके ऐसे खींचने से पूरा सिलेक्ट हो जाता है सब कुछ, हमारे मेन कामों में आता है। इस पे हम क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ये जो टूल है ये हमारा मेन काम में आएगा। अब इसके बाद बात करते हैं ट्रैक सिलेक्ट टूल का। तो ये जो सेकंड टूल है हमारा सेकंड, इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो मान लीजिए ये बहुत सारे क्लिप है। अभी इसको ना मैं थोड़ा एड ऑन कर लेता हूँ, इसको मैं कट कर लेता हूँ।
और इसको सिलेक्ट करके, तो अभी मैं आप देखे कि ये बहुत सारे क्लिप में कन्वर्ट कर दिया मैं दोनों क्लिप को कट कट करके। और अब ये जो टूल है ट्रैक सिलेक्ट टूल, इसके मदद से हम पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि तो मान लीजिए जैसे कि ये पहले का 3 फुटेज है, इसको हमें कुछ नहीं करना है, और इसके आगे का मतलब यहाँ से हमको आगे थोड़ा मूव करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं ये एक ही फुटेज को क्लिक किया तो ये सारा क्लिक हो गया, मतलब ये फुटेज के आगे से जो भी फुटेज है वो सारा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं अगर मैं चाहूँ तो बस यहाँ से मुझे लेना है तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो या इससे आगे जो भी रहेगा ये यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। वही सेम तरीके से आप इसको बैकवर्ड में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इधर से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये टूल पे जाके आपको प्रेस करके होल्ड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे दो चीजें आपको दिखेंगी। ये बैकवर्ड टूल है, यहाँ पे आपको बैकवर्ड पे क्लिक करने से ये बैकवर्ड होगा। मतलब अब मान लो यहाँ से मुझे लेना है तो यहाँ पे क्लिक करने से इससे पहले जो भी फुटेज है ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, और इसको मूव करने से ये इजिली मूव हो जाएगा। तो अगर आपको बहुत सारे क्लिप एक ही बार में आगे पीछे करना है तो ये टूल्स आपके लिए बहुत काम में आ सकते हैं, और ये आपको बहुत सारे टाइम सेव कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है रिपल एडिट टूल। आपको रिपल एडिट तो पता होगा, जैसे कि मान लो दो क्लिप के अंदर कुछ गैप है, इतना गैप है दो क्लिप के अंदर, और इसको मुझे एक ही बार में ये गैप को फिलअप करना है, तो मैं राइट क्लिक करके रिपल डिलीट कर सकता हूँ, तो ये एक बार में पूरा ये गैप फिल हो गया। लेकिन अगर मान लो मुझे कि रिपल एडिट करना है, फॉर एग्जाम्पल अभी ये दोनों क्लिप यहाँ पे मिले हुए हैं, अगर मुझे ये क्लिप का बीच में से यहाँ से अगर लेना है, ये पहले का इतना अगर हटाना है, तो नॉर्मल प्रोसेस में क्या होगा, हम इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे रिपल डिलीट करना पड़ेगा। ये दो स्टेप का काम है। लेकिन अगर आप रिपल एडिट टूल यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं पहले यहाँ पे रेड एरो आ रहा था, अभी येलो आ रहा है, तो यहाँ से खींचते ही ये ऑटोमेटिक रिपल हो जाता है, आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। ये रिपल एडिट टूल का काम यही है, आपके जो दो प्रोसेस है उसको आप सिंगल स्टेप में कर सकते हो ये टूल के माध्यम से। उसके बाद आता है बहुत एक इम्पोर्टेंट टूल है जो कि रेजर टूल है। रेजर के मतलब जैसे कट करना है, ये एक मान लीजिए। तो ये था रिपल एडिट टूल। अब हम बात करने वाले हैं रेजर टूल के बारे में। रेजर टूल एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है, आपको बहुत सारे टाइम पे इसका यूज करना पड़ेगा, और ये आपके वर्कफ्लो को बहुत इजी करने वाला है। रेजर टूल मतलब आपको सिर्फ ये कट करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। एक लंबा क्लिप को आप इजीली डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में कट कर सकते हो, आपको जहां मर्जी वहां पे कट लगा सकते हो। जब आप म्यूजिक वीडियोस एडिट करोगे बीट बाय बीट एडिट करने के लिए, बीट बाय बीट कट करने के लिए ये आपको बहुत हेल्प करेगा। उस समय आप देख सकते हैं मैं अभी बस सिंगल क्लिक कर करके यहाँ पे एक फुटेज को कितने सारे पार्ट्स में कट कर दिया हूँ। अगर आप कोई एक लंबा फुटेज का बीच में से अगर कुछ कट करना चाहते हो और उसको निकालना चाहते हो तो आप इससे यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो सिलेक्शन एरिया है उसमें कट करिए, उसके बाद सिलेक्शन टूल पे जाइए और इसको क्लिक करके डिलीट कर दीजिए, उसके बाद रिपल डिलीट, तो ये आपके दोनों क्लिप फिर से मैच हो गया। ऐसे कट करने के लिए आपको रेजर टूल का बहुत जरूरत पड़ेगा। अब इसके बाद हम जानने वाले हैं स्लिप टूल के बारे में। स्लिप टूल का काम ये है कि अगर आप कुछ फ्रेम को मिस करना चाहते हो या फिर कुछ फ्रेम को निकालना चाहते हो आपके फुटेज से, तो ये उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। तो फॉर एग्जांपल अभी देखने वाले हैं कि ये जो फुटेज है यहाँ पे देख सकते हैं ये हाथ ऊपर है और मुझे ये फुटेज नहीं चाहिए, मतलब मैं नहीं चाहता कि ये फुटेज यहाँ से स्टार्ट हो, मैं चाहता हूँ कि ये फुटेज यहाँ से स्टार्ट हो। तो मैं इसको क्या करूँगा, ये स्लिप टूल को सिलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर दूंगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो स्टार्टिंग है ये फुटेज में जहाँ से चाहता था वहाँ से स्टार्ट हुआ, वो फुटेज अभी स्लिप हो गया है, तो वो फ्रेम एक्चुअली निकल चुका है फुटेज से, जैसे कि मैं स्लिप कर दिया उसको। इसको आप आगे भी कर सकते हैं पीछे भी कर सकते हैं, अगर आपको कुछ इंसर्ट करना है पहले से तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं पेन टूल का। पेन टूल एक्चुअली सिलेक्शन के लिए यूज होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी, लेकिन ये जो टूल है इसको मैं ज़्यादा यूज नहीं करता। तो जब आप एडवांस एडिटिंग करोगे तो ये टूल आपको काम में आएगा।
ये टूल्स खास करके तभी यूज होता है जब आप कोई मोशन ट्रैकिंग वगैरह करते हैं या फिर मास्किंग वगैरह करते हैं, उस समय ये टूल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तब काम आता है, वरना जनरली कोई ऐसा नॉर्मल एडिटिंग में ये ज़्यादा काम नहीं आता। तो हम इसको वैसे ही छोड़ देंगे अभी। इसके बाद आता है हैंड टूल। हैंड टूल में मान लीजिए ये एक फुटेज है और यहाँ पे मुझे जूम करके इसको चेक करना है। मान लीजिए ये 100% जूम हो गया, यहाँ पे क्लिक करके इसको जूम करके चेक करना है, तो मैं इजीली कर सकता हूँ। इसका मेन काम ये होता है, और इसका भी यूज मैं ज़्यादातर नहीं करता क्योंकि मैं इस स्क्रीन को हमेशा फिट रखता हूँ ताकि जो फुल फ्रेम है ये उसमें आ जाए। उसके बाद ये जो लास्ट टूल है ये टाइप टूल है, मतलब ये आप अगर कुछ टेक्स्ट डालने वाले हो स्क्रीन पे तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं, और उसको अब सिलेक्ट करने के बाद आप ग्राफिक्स में जाके हम उसको एडिट भी कर सकते हैं। हमारा जो लिखा हुआ रहता है, जो भी टेक्स्ट है, उसको यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं, या उसका साइज छोटा बड़ा जो भी है उसको कर सकते हैं, और उसका फॉन्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो टाइप टूल है ये टेक्स्ट लिखने के लिए, आपके जो फुटेज के ऊपर जो भी टेक्स्ट अगर कुछ आने वाला है तो उसके लिए ये यूज होता है। तो दोस्तों ये था कुछ कुछ मेन टूल्स, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे भी आप सोर्स पैनल पर देखेंगे या प्रोग्राम पैनल पे जो मेन पैनल है उसमें देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ कुछ टूल्स है, जैसे कि ये मार्कर है, आप मार्क कर सकते हो आपका फुटेज कहाँ से कहाँ तक है, और उसके बाद ये मार्क इन है, मार्क आउट है, मतलब आपको कहीं चाहिए उसको तो आप इसको मार्क इन कर सकते हैं और यहाँ पर चाहिए तो इसको मार्क आउट कर सकते हैं और उसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें, और इसके बाद यहाँ पे प्ले और स्टॉप का बटन है, ये फॉरवर्ड है, बैकवर्ड, बहुत सारे फंक्शन है, इसको आप यूज कर सकते हो। उसके बाद ये भी दो तीन ऑप्शन है, जैसे कि इंसर्ट है, ओवरराइट है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, मतलब इसको आप क्लिक करने से डायरेक्ट एक आपका फुटेज इंसर्ट हो जाता है यहाँ पे, मतलब मान लो ये जो सिलेक्शन एरिया है इसको आप क्लिक करते ही डायरेक्ट ये इंसर्ट हो जाएगा, ये फुटेज और ऑडियो दोनों आ जाएगा आपके टाइमलाइन पे। लेकिन ये जो शॉर्टकट्स है इसको मैं ज्यादा यूज नहीं करता, मैं खास करके ये मार्क इन, मार्कआउट और ये ऐड मार्कर, ये तीनों टूल का यूज करता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आप सिर्फ ये टूल पे ही डिपेंड रहेंगे तो आपका बहुत टाइम जाने वाला है। अगर आपको टाइम बचाना है तो आपको शॉर्टकट की यूज करने सीखना चाहिए, जैसे कि अगर हम सिलेक्शन टूल की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सिलेक्शन के साइड में भी लिखा है, मतलब इसका शॉर्टकट की है भी, मतलब आप आपके कीबोर्ड में अगर भी को टाइप करेंगे, भी को प्रेस करेंगे तो ये शॉर्टकट टूल आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे ट्रैक फॉरवर्ड के लिए ए है और ट्रैक बैकवर्ड के लिए शिफ्ट ए है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब इसका शॉर्टकट की है। इसके बाद हम रिपल एडिट की बात करते हैं तो उसका शॉर्टकट है बी, तो मतलब आपके कीबोर्ड पे बी प्रेस करोगे तो वहाँ पे रिपल एडिट टूल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद रेजर टूल के लिए सी है, उसके बाद स्लिप टूल जो है उसके लिए वाई है, और पेन टूल के लिए पी है, हैंड टूल के लिए एच है, और टाइप टूल के लिए टी है। तो ये जो जो शॉर्टकट की है ये डिफॉल्ट है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा मेन्यू पे एडिटिंग, और यहाँ पे नीचे की शॉर्टकट से कीबोर्ड शॉर्टकट, और यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंगली, जो भी ठीक लगे आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था टूल्स और शॉर्टकट्स के ऊपर। आगे हम बात करने वाले हैं क्लिप डायमेंशन को कैसे एडजस्ट करना है उसके ऊपर। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। अब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लिप डायमेंशन क्या होता है और क्लिप डायमेंशन को हम एडजस्ट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि अभी ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये जो क्लिप है यहाँ पे, ये जो सब्जेक्ट है मॉडल, यहाँ पे थोड़ा कॉर्नर पे है, अगर हम इसको सेंटर में लाना चाहते हैं तो हम इसको जूम करके साइड कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा सोर्स पैनल पे, इफेक्ट कंट्रोल पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे जो है ऑप्शंस दिए गए हैं, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसके हेल्प से हम क्लिप को छोटा बड़ा और ऊपर नीचे साइड में कुछ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे ये फुटेज को थोड़ा बड़ा करना है तो यहाँ पे मैं सिंपली जाऊंगा स्केल पे। स्केल में ये जो 100% यहाँ पे दिख रहा है इसको मैं थोड़ा ज्यादा करूंगा, ये हो गया 120% पे आप देख सकते हैं ये फुटेज थोड़ा बड़ा हो गया और ये 100% पे छोटा हो गया।
अगर इसको 100% से नीचे करते हैं तो इसका साइज और छोटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको देख सकते हैं इसका जो साइज है ये बहुत छोटा हो गया, और इस साइड में जो ब्लैक कलर के बार दिख रहे हैं यहाँ पे। अभी इसको छोटा बड़ा करने के लिए आप यहाँ पे जब लेंगे आपका माउस लेंगे तो यहाँ पे एक हाथ टाइप का जो निशान आएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी, उस पर आप क्लिक करके उसको साइड बाय साइड स्क्रॉल कर सकते हैं, या फिर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ऐसा व्हाइट कलर का आ जाएगा। इस पर आप टाइप कर सकते हैं, मैं टाइप कर दिया 100 और एंटर, तो ये 100% पे आ गया है। तो ये था स्केलिंग, अब इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं स्केल के माध्यम से। यहाँ पे है पोजीशन, अब पोजीशन पे दो पैरामीटर से आप देख सकते हैं, ये जो है ये आप राइट टू लेफ्ट करते हो, साइड बाय साइड कर सकते हो इससे, और ये जो 550 है इसको आप ऊपर से नीचे कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक पैरामीटर है, तो बेसिकली ये जो पोजीशनिंग है ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों के लिए है। आपको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कितना एडजस्टमेंट करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा है रोटेशन, अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये रोटेट होगा जैसे कि आप देख सकते हैं। अगेन इसका प्रोसीजर भी सेम है, आप यहाँ पे क्लिक करके इसको मूव कर सकते हैं माउस को, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं आपको एग्जैक्ट कितना परसेंट चाहिए। तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से मूव होता है। मैं थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ, अभी आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। तो बस रोटेशन का काम इतना है कि अगर आप फुटेज को रोटेट करना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आता है एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट मतलब अगेन ये रोटेट होने के बाद अगर इसको आप जैसे कि साइड बाय साइड करना चाहते हैं या ऊपर नीचे करना चाहते हैं, सेम यहाँ पे ये जो पोजीशनिंग सिस्टम है ना उसी तरह ये भी काम करता है। इसको भी आप साइड बाय साइड कर सकते हैं या ऊपर नीचे कर सकते हैं एग्जैक्ट आपको जैसे चाहिए वैसा लाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा नीचे ओपासिटी। ओपासिटी मीन्स यहाँ पे जो आपका फुटेज है इसका जो क्लैरिटी है, मतलब जैसे कि यहाँ पे 100% है तो अभी पूरा फुटेज पूरा क्लियरली दिख रहा है। अगर इसका विजिबिलिटी जो या फिर क्लैरिटी जो है थोड़ा कम करना है तो यहाँ पे ओपासिटी को कम कर सकते हैं। ओपासिटी को कम करने से विजिबिलिटी भी कम हो जाता है, इसको भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप कोई फेक मोमेंट वाला जो इफेक्ट डालना चाहते हैं, फेक मोमेंट मतलब जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सब्जेक्ट है ये यहाँ पे फिक्स है, चेयर में बैठे हैं, यहाँ पे कोई फ्रेम का मूवमेंट नहीं हो रहा है। आप अगर चाहे तो ये फ्रेम का मूवमेंट भी कर सकते हैं जैसे कि इसको की फ्रेम सेट करके, अगर आप चाहेंगे तो ये फ्रेम को मूव भी कर सकते हैं। इसको कहा जाता है फेक मूवमेंट, जस्ट आपको की फ्रेम सेट करना पड़ेगा। की फ्रेम कैसे सेट करते हैं अभी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे इनका स्केल है 100%, इसको हमको थोड़ा जूम करना पड़ेगा, ये जूम हो गया। इसके बाद पोजीशन को थोड़ा लेफ्ट कर देंगे, जस्ट मेक श्योर करना है कि साइड में जो यहाँ पे जो ब्लैक बार आ रहा है ये ब्लैक ना दिखे, बस इसको थोड़ा फ्रेम में पूरा रखेंगे। अब ये ऐसा लग रहा है कि पूरा स्टील फ्रेम है, एक ही जगह पे शूट हुआ है, लेकिन अब इसको की फ्रेम लगाएंगे। अभी यहाँ पे हम की फ्रेम लगा देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक की जैसा एक सिंबल है, इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करते ही यहाँ पे एक डॉट आ जाता है आप देख सकते हैं। इसका ये मतलब है कि ये टाइम पे ये जो फुटेज का ये फ्रेम रेशियो है, मतलब स्केल इतना है, पोजीशन इतना है, लेकिन अगर हम आगे जाके उसको मूवमेंट करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो मॉडल है ये बीच में है, सेंटर में है फ्रेम के, ये धीरे धीरे हमको स्लाइड करना पड़ेगा, और हम 10 सेकंड अगर टाइम है हमारे पास तो 10 सेकंड बाद का की फ्रेम सेट करते हैं। तो इसके लिए हम फिर से कंट्रोल इफेक्ट में जाएंगे, और यहाँ पे तो हमारा पहला था, यहाँ पे दूसरा है, तो हम इसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा दूसरा की पॉइंट सेट हो गया, और इसे हम इसको हम पोजीशन कर देंगे कि हमको सेकंड फ्रेम कहाँ तक चाहिए और स्लाइड कैसा चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया सेकंड की फ्रेम,
तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो फ्रेम का मूवमेंट होगा, अभी आप देख सकते हैं, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे धीरे धीरे ये सब मूवमेंट हो रहा है, ये फ्रेम का जो मूवमेंट है ये सब हो रहा है यहाँ पे। ये थोड़ा सिनेमैटिक लग रहा है। अगर इसको मैं चाहता हूँ तो ये फुटेज के लास्ट में भी डाल सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे तो ये जो सेकंड की फ्रेम है अभी मैं पूरा लास्ट में सेट कर दिया हूँ यहाँ पे, और ये पूरा धीरे ही मूव होगा जिसमें कि पूरा सिनेमैटिक लुक आएगा। अभी आप देख सकते हैं पीछे का बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, ये धीरे धीरे मूवमेंट हो रहा है ये पूरा। तो ऐसा लग रहा है कि जो स्लाइडर के जरिए शूट किया गया है, इसलिए ये पूरा सिनेमैटिक लुक देता है एक फुटेज को हमेशा। तो गाइस अभी तो हम देखे कि हम पोजीशन को कैसे साइड बाय साइड ट्रैक कर सकते हैं। अभी देखते हैं जैसे कि वही सेम पोजीशन को अप्लाई करके हम जूम इन जूम आउट कैसे कर सकते हैं, जैसे सिनेमैटिक वे में। आप बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में देखे होंगे जैसे कि जूम इन जूम आउट होता है। अब ये जो फुटेज है, यहाँ पे जो मॉडल है ये सेंटर में है। अब इसको हम जूम इन जूम आउट करते हैं तो कुछ नहीं, यहाँ पे हमें सिर्फ एक पोजीशन का ये क्लिक करना पड़ेगा। तो ये बहुत सिंपल है, यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ जो स्केल है स्केल पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। तो जो पहला फ्रेम है वो जो है 100% में रहेगा, 100% ये पूरा फिल है, ठीक है। अगर हम इसको जूम इन करना चाहते हैं तो नेक्स्ट फ्रेम कितने में रखना चाहिए वो आपके ऊपर है। तो नेक्स्ट मान लीजिए मुझे यहाँ तक जूम इन करना है और नेक्स्ट फ्रेम मुझे यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं, और एक पॉइंटर सेट करने के लिए यहाँ पे और एक जूम पॉइंट सेट हो गया। इसको अभी मुझे कितना जूम करना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि मुझे 130 तक रखना है, 130 ये हो गया। लेकिन जब 130 रखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मॉडल का हेड है थोड़ा कट हो रहा है, तो मुझे इसे थोड़ा नीचे करना है, तो बस थोड़ा नीचे कर दिया, यहाँ पे पोजीशन को थोड़ा नीचे कर दिया। अभी आप देख सकते हैं जैसे मूवमेंट होगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट आने में पूरा मूवमेंट हो जाएगा और ये जूम इन हो जाएगा। तो मैं प्ले कर रहा हूँ, अभी आप देखिए। अभी आप देख सकते हैं जैसे कि ये फ्रेम ऑटोमेटिक जूम इन हो रहा है, यहाँ पे फ्रेम छोटा है धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, अभी आप देख सकते हैं। ऐसे जूम इन जूम आउट इफेक्ट देने से जो व्यूअर होते हैं ना उनको थोड़ा सिनेमैटिक फील आता है। तो अभी जानते हैं कि जूम आउट कैसा करना है, मतलब बड़ा से छोटा कैसा करना है। तो इसका ऑपोजिट करना पड़ेगा, जो हमारा पहला फ्रेम है उसको हमको 130 रखना पड़ेगा, ये 130 हो गया, और हमें यहाँ पे इसको लाके सेकंड पॉइंट जो होगा हमारा जहाँ एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट पे हमें इसको 100 कर देना है, तो ये जूम आउट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे छोटा हो रहा है, जूम आउट हो रहा है। अगर आपको एक ही क्लिप में जूम इन जूम आउट दोनों करना है तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल सी बात है, आपको तीनों पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कि एक बीच में एक एंड में। अभी ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट 130 है, बीच में 100 है, और मुझे लास्ट वाला जो है उसको भी 130 देना है। तो ये पहले जूम आउट होगा, उसके बाद अगेन जूम इन होगा, मतलब पहले बड़ा से छोटा होगा, उसके बाद अगेन छोटा से बड़ा होगा। अभी आप देख सकते हैं, तो देखिए अभी तक यहाँ पे जूम आउट हो गया, फिर से बड़ा हो गया ऑटोमेटिक। ये आप आपके हिसाब से जैसे ठीक लग रहा है आपको वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था क्लिप डायमेंशन। इसके बाद जानते हैं कि टेक्स्ट कैसे डालना है और टाइटल्स कैसे ऐड करना है अपने वीडियो में।
तो गाइस अभी हम जानने वाले हैं टेक्स्ट और टाइटल्स कैसे ऐड करते हैं आपकी वीडियोस पे। तो गाइस टेक्स्ट और टाइटल ऐड करने के लिए दो तरीके हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो टूल बार है इसके नीचे टी लिखा है जिसको टाइप टूल कहा जाता है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बताया हूँ। आप उसको क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे जब टाइप टूल पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो आपके क्रसर है, जो माउस का पॉइंट है, वो चेंज हो गया है। यहाँ पे आप ऐसे ट्रैक करके खींच सकते हैं और इस पे आप जो मर्जी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अगर मैं लिखूं टेक्स्ट सैंपल, अभी मैं यहाँ पे लिखा टेक्स्ट सैंपल, जैसे आप देख सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ भी, मतलब टेक्स्ट लिखना चालू करते हैं, तो यहाँ पे वीडियो के जो सेक्शन है वहाँ पे उसका एक क्लिप जनरेट हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। हमें जो भी चेंजेस करना है इस पे चेंजेस करना है, तो मान लीजिए कि हमें इसको ऊपर नीचे करना है, तो यहाँ पे आपको डायमेंशंस पता है, इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, साइड बाय साइड कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद अगर इस पे हम कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट डालना है तो हम इसको सिलेक्ट ऑल करेंगे, उसके बाद ग्राफिक्स पे जाएंगे। जब हम ग्राफिक्स के जाने के बाद यहाँ पे एडिट है, एडिट में आप देख सकते हैं ये बहुत सारी चीजें हैं। आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करता हूँ और यहाँ पे कोई भी फॉन्ट जो कि मेरे लैपटॉप में है इंस्टॉल, उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। हम ये लेंगे, अभी यहाँ पर देख सकते हैं फॉन्ट चेंज हो गया। अब इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में इजी हो जाए। अब इसके बाद आपको बीच में रख सकते हैं, साइड में रख सकते हैं, ये नीचे बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, आपको जो मर्जी कलर है उसको भी रख सकते हैं। अगर मुझे ग्रीन रखना है तो ग्रीन पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो ये ग्रीन हो गया। अगर इस पे स्ट्रोक देना है, स्ट्रोक मतलब लेटर के चारों तरफ, मतलब एक बाउंड्री जैसा आएगा, अगर स्ट्रोक देना है तो स्ट्रोक भी दे सकते हैं। जैसे कि ये स्ट्रोक को मैं ब्लैक कर देता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी टेक्स्ट के चारों तरफ ब्लैक का एक बाउंड्री आ गया। अब इसको भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखें अभी। उसके बाद ये लेटर पे आप बैकग्राउंड दे सकते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन भी है, आप देख सकते हैं। अभी मैं इसको कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से चेंज हो रहा है। उसके बाद इसको बड़ा छोटा भी आप कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम बैकग्राउंड को ऑफ कर देते हैं। उसके बाद है शैडो, मतलब परछाई। अगर आप चाहते हैं कि कोई शैडो का इफेक्ट दें तो आप उसको भी दे सकते हैं। यहाँ पे जो मर्जी वो टेक्स्ट लगा सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड टेक्स्ट फॉन्ट्स हैं, आप जो मर्जी लगा सकते हो या फिर आप खुद का भी इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये था एक तरीका हम ग्राफिक्स में आके यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन ये सेम चीज हमें यहाँ पे भी मिल जाएगा, जैसे कि इफेक्ट पैनल पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट सैंपल्स, ठीक है, ये जो टेक्स्ट है ये सेम चीजें, ये सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा आपको, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मतलब मिनिमाइज्ड वे में मिलेगा, यहाँ पे आपको पूरा विस्तार में मिल जाएगा सब कुछ। तो दोस्तों ये था पहला तरीका एक टेक्स्ट ऐड करने का। दूसरा तरीका ये है कि हम डायरेक्टली ग्राफिक्स में जाके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राउज है, ब्राउज में बहुत सारे जो डिफॉल्ट और टेम्पलेट्स हैं वो सब भी रहेगा, आप उसको भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं अभी, जो सबसे बेसिक है ये वाला है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ आता है कि ये टेक्स्ट हियर, आपको जो भी इसमें चेंजेस करना है आप कर सकते हैं। मैं पहले सिलेक्ट कर दिया सबको, अब यहाँ पे जाके हम चेंजेस भी कर सकते हैं। मैं लिख देता हूं कुछ, मैं जैसे कि लिख दिया प्रीमियर प्रो ट्यूटोरियल, अभी इसको भी हम पूरा सिलेक्ट ऑल कर देंगे और वही सेम चीजें यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि इसका कलर चेंज कर सकते हैं हम, उसके बाद हम इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसके बाद हम अगर चाहें तो इसको स्ट्रोक मतलब जो बाउंड्री है वो भी ऐड कर सकते हैं।
अगर शैडो देना है तो शैडो भी दे सकते हैं यहाँ पे, तो आप जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं, लेकिन ये जो रहेगा ये एक्चुअली पूरा डिफॉल्ट वाला है। ये आपको प्रीमियर प्रो के अंदर डिफॉल्ट मिलेगा, और ये पूरा प्लेन है, सिंपल है। इसको छोड़ के भी बहुत सारे सिंपल वाले हैं जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। यहाँ पे ये भी है और एक है ऐसे पॉपअप होके आएगा, यहाँ पे आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ भी रैंडम टाइप कर दिया तो आप देख सकते हैं ये पूरा ऐसे पॉपअप होके आएगा। आप इसको भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि जो आपके सबटाइटल्स वगैरह है उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। इसका भी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। मैं इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिखा सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैप्शन एंड सबटाइटल फॉर ब्रॉडकास्ट, तो आप इसको सबटाइटल लिखने में आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप इस पे जो है ट्रांजेक्शन भी लगा सकते हैं, वीडियो ट्रांजेक्शन। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये पूरा प्लेन है, डायरेक्टली आ रहा है और डायरेक्टली कट भी हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम इफेक्ट के अंदर जाएंगे और उसके बाद वीडियो इफेक्ट में जाएंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीज है जिसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि वीडियो ट्रांजेक्शन पे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, डिजॉल्व है, क्रॉस है, डीप टू ब्लैक है। तो मैं अभी फॉर एग्जांपल क्रॉस डिजॉल्व यूज कर रहा हूँ, तो आप देखिए कैसे स्मूथली ये ओपन होगा। पहले पूरा सडन ओपन हो रहा था, अभी पूरा स्मूथ ओपन हो रहा है। इसके बाद इस पे मैं जूम इन जूम आउट का इफेक्ट भी डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जूम इन जूम आउट करना है तो आप इस यहाँ पे जूम इन सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जूम इन का ऑप्शन आ गया, तो इस पे आप लगा सकते हैं। तो जब भी इस पे स्क्रॉल होगा तो आपका टेक्स्ट ऐसा बड़ा होता जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि जूम इन आउट, जूम आउट इन। ये मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स है जो जो कि आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जूम स्पिन भी एक है, हम इसको भी ट्राई करेंगे। अभी आप देखें कि जैसे स्पिन होके ये आपका टेक्स्ट यहाँ पे अपेयर हुआ। अभी फिर से कर लेते हैं। ये सब इफेक्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बावजूद मेरा बहुत सारे ट्रांजेक्शन मैं खुद इंस्टॉल किया हूँ, जो कि आपको बंडल के अंदर मिल जाएगा और आप उसको बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था टेक्स्ट ऐड करने का 2-3 तरीके। इसके बाद हम जाते हैं ग्राफिक्स पे और वहाँ पे जानते हैं कि जो एनिमेटेड टाइटल्स है उसको कैसे इम्पोर्ट करते हैं और उसको कैसे ऐड करते हैं। तो गाइस अभी हम जानने वाले हैं कि जो प्रीमियम टेम्पलेट्स होते हैं उसको कैसे इम्पोर्ट करेंगे। तो ये बहुत सिंपल सा स्टेप है। हमको यहाँ पे एसेंशियल ग्राफिक्स में जाना है, यहाँ पे 3 लाइंस दिखाई देता है, यहाँ पे क्लिक करना है और नीचे सबसे नीचे जो ऑप्शन है वो है मैनेज एडिशनल फोल्डर्स, इस पे क्लिक करना है। तो इस पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है जो कि मैं पहले से ऐड करके रखा हूँ। अगर आपको कुछ और ऐड करना है तो यहाँ पे नीचे ऐड का बटन है, इसको क्लिक करना है और आपका जो भी फोल्डर है वहाँ पे जाना है। जैसे कि मेरा जो फोल्डर है वो डेस्कटॉप में है, तो मैं डेस्कटॉप में जाऊँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं 252 टाइटल्स करके, उसको हम क्लिक करना है और यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर पे ओके करना है। इसको यहाँ पे क्लिक करके जो सिलेक्ट फोल्डर है वहाँ पे हमें ओके करना है, मतलब क्लिक करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको इंपोर्ट कर चुका हूँ इसलिए मैं अभी इसको कैंसिल कर देता हूँ। आप वही सेम प्रोसीजर से आपको फॉलो करना है। आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा 252 टाइटल्स करके ये ऑलरेडी फोल्डर में इंपोर्ट कर चुका हूँ, इसलिए फिर से और एक बार नहीं किया, इसको कर देते हैं ओके। उसके बाद ये जो लोकल टेम्पलेट्स दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे।
जैसे कि मैं अभी ये 252 टाइटल्स की बात कर रहा था, यहाँ पे मुझे क्लिक करना है। अभी यहाँ से क्लिक करने पे ये सिलेक्ट हो गया 252 टाइटल्स। अभी मुझे ये जो लोकल टेम्पलेट से इसको अनसेलेक्ट करना है। उससे क्या होगा कि सिर्फ ये 252 टेम्पलेट्स ही दिखाई देगा, मुझे ये नहीं दिखाई देगा। तो इसको हमें डिसलेक्ट करना है। अभी आप देख सकते हैं ये सिर्फ 252 टाइटल्स दिखाई दे रहा है। तो अभी ये जो 252 टाइटल्स अभी यहाँ पे आ गए हैं, हम इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि कैसे काम होता है एग्जैक्टली। हम इसको लेते हैं, अभी कुछ नहीं करना, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। और ये देख सकते हैं ये आ गया यहाँ पे मेगा टाइटल। इस पे हमें जो भी चेंजेस करना है वो कर सकते हैं, जैसे कि ये जो बॉक्सेस है उसका कलर चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। ये थोड़ा बेटर विजिबिलिटी के लिए मैं अपना जो वीडियो वन का जो लेयर है इसको मैं म्यूट कर लेता हूँ। तो अभी आप क्लियरली देख सकते हैं जो भी हमारा टेम्पलेट्स है, हम जो चाहें इसमें अपनी मर्जी के हिसाब से कलर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे येलो डाल रहा हूँ, ये यहाँ पे येलो हो गया। आप देख सकते हैं जो बॉक्स लाइन है इस पे हम अगर व्हाइट डालना चाहता हूँ तो ये भी ये व्हाइट हो गया, आप देख सकते हैं। और अगर कुछ दूसरा मुझे कलर चेंज करना है तो इसको मैं ब्लू करना है तो ब्लू कर दूंगा, ये ब्लू हो गया। और इसको मुझे अगर ग्रीन करना है तो मैं ग्रीन करूंगा तो ये ग्रीन हो गया। इसको अगर मुझे लाइट ब्लू करना है तो मैं इसको लाइट ब्लू कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं आप आपके मर्जी के हिसाब से जो चाहे वो कलर डाल सकते हैं। टेक्स्ट 2 का कलर मुझे अगर रेड रखना है तो मैं रेड डाल दूंगा तो ये रेड हो गया। और इसके बाद यहाँ पे टाइटल्स लिखें, यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। मैं लिख दूंगा टेस्टिंग टेस्टिंग प्रोजेक्ट और मुझे यहाँ बाहर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं आप टेस्टिंग प्रोजेक्ट आ गया यहाँ पे। पूरा सिंपल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है बस। ये 252 टाइटल्स के अलावा भी और भी आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ टाइटल्स मिल जाएंगे, जैसे कि ग्लिच हो गया, ये टाइपोग्राफी हो गया। टाइपोग्राफी आजकल बहुत डिमांड में है, बहुत फैंसी है। तो एक टाइपोग्राफी देखते हैं, इसको मैं पिक किया और यहाँ पे ड्रॉप किया। सेम प्रोसीजर है, आपको पिक एंड ड्रॉप करना है बस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइपोग्राफी आ गया है। मैं थोड़ा क्लैरिटी यहाँ पे दिखा सकता हूँ। यहाँ पे भी मुझे अगर कोई कलर चेंज करना है तो इजीली कर सकता हूँ। इसको व्हाइट कर लेते हैं और ये जो टेक्स्ट है इसको भी व्हाइट कर लेते हैं थोड़ा बेटर विजिबिलिटी के लिए। और इसके बाद इसको इनविजिबल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कैसे दिखाई दे रहा है टाइपोग्राफी। ये आपके यूट्यूब वीडियोस के लिए बहुत अच्छे लगेंगे जब आप इसको अप्लाई करेंगे आपके कोई से भी वीडियो में। इसके बाद ये नियॉन लाइट टाइटल्स भी है, ये भी काफी मजेदार टाइटल्स है। नियॉन लाइट आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, इसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे दिखता है, आप देख सकते हैं। इसमें भी आपको जो चेंजेस करना है वो कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट पे जाना है सिंपल, और यहाँ पे जो मर्जी आप चेंजेस कर सकते हैं। कलर को कलर कंट्रोल कर सकते हैं, आपको जो मर्जी कलर पसंद है वो कर सकते हैं आप। तो अभी आप देखें कि जैसे मैं ये कलर चेंजेस किया, आप कोई सा भी कलर आपकी मर्जी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट दोनों में व्हाइट है तो मैं थोड़ा एक रेड रख दूंगा, तो दोनों टेक्स्ट का कलर रेड हो गया अभी। उसके बाद टेक्स्ट में भी आप जो मर्जी चाहे वो चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं इसका फॉन्ट्स चेंज कर दूंगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉन्ट भी चेंज हो गया। अब मैं दूसरा का फॉन्ट भी चेंज करने वाला हूँ, तो ये भी देख सकते हैं आप, फॉन्ट चेंज हो गया यहाँ पे। ऐसे ही आप आपके हिसाब से जो मर्जी यहाँ पे वो चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्चुअली काफी बहुत मजेदार चीज है, आप जितना चाहे एक्सप्लोर करना है आप उतना एक्सप्लोर कर सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के। तो दोस्तों ये था टेक्स्ट और टाइटल्स कैसे करना है। तो गाइस ये था कुछ सैंपल्स एनिमेटेड टाइटल्स जो मैं अभी आपको दिखाया। ऐसे बहुत सारे हैं जो कि आपको वो एडिटिंग बंडल पे मिल जाएगा। तो ये था टेक्स्ट एंड टाइटल्स के ऊपर और एनिमेटेड ग्राफिक्स आप कैसे यूज कर सकते हैं उसके ऊपर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जानते हैं प्रीसेट कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे है, देख सकते हैं आप प्रीसेट्स, और प्रीसेट के साथ साथ हम ट्रांजिशन भी कैसे अप्लाई करेंगे वो भी जानेंगे। तो गाइस अब हम जानने वाले हैं कि प्रीसेट्स क्या होता है और प्रीसेट्स का यूज हम कैसे करेंगे। तो देखिए प्रीसेट्स मतलब
कोई भी चीज़ का अगर आप पहले से रेडी हो, जैसे कि आपका ऑडियो टेम्पलेट्स है या वीडियो टेम्पलेट्स है, उस सबको प्रीसेट कहा जाता है। और यहाँ पे हमको बहुत सारे प्रीसेट फ्री में मिलेंगे, उसके बावजूद आप खुद भी अपना प्रीसेट यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। प्रीसेट्स में जाने के लिए आपको यहाँ पे इफेक्ट में जाना पड़ेगा, ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे इफेक्ट्स में आपको सारा मिल जाएगा, प्रीसेट्स, लिमिटरी प्रीसेट्स, ऑडियो इफेक्ट, ऑडियो ट्रांजिशन, वीडियो इफेक्ट, वीडियो ट्रांजिशन, ये सारा पहले से ही दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट। इसको एक्सेस करने के लिए और भी एक तरीका है, आप यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे अगर आप एडिटिंग पे है तो आप यहाँ पे नीचे इफेक्ट में क्लिक करेंगे तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगा, ताकि आप एडिट करते के वक्त ही आप यहाँ पे सारे जो प्रीसेट्स है उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो जो मौजूदा प्रीसेट है, मतलब जो अवेलेबल प्रीसेट है, उसको पाने के लिए हमें यहाँ पे ये जो एरो क्लिक है इस पर क्लिक करना पड़ेगा, तो आपको बहुत सारे प्रीसेट्स यहाँ पे दिखाई देंगे। हालांकि ये सब मेरा खुद का प्रीसेट है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है बेवल एड्स, ब्लर, मोजाइक, पिप्स, सोलराइज, ये सब आपको फ्री में मिलेगा। ये सब एडोबे प्रीमियर प्रो का बाय डिफॉल्ट प्रीसेट है, इसको आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद है लिमिटरी प्रीसेट। लिमिटरी प्रीसेट में जो आपके कलर ग्रेडिंग होता है उसका जो प्रीसेट्स होते हैं वो सब भी यहाँ पे अवेलेबल है। अभी आगे जाके हम इसको पूरा डिटेल में चेक करेंगे, पूरा डिटेल में दिखाऊंगा मैं आपको कि एग्जैक्टली काम कैसे करता है। उसके बाद आता है ऑडियो इफेक्ट्स, मतलब आपके ऑडियो में अगर कुछ प्रीसेट ऐड करना है या फिर आपके ऑडियो को स्मूथ करना है या कुछ भी करना है ऑडियो के साथ, पिच अप एंड डाउन करना है, तो आप ये सब जो प्रीसेट्स है इसको यूज कर सकते हैं। इसका भी मैं आपको सैंपल दिखा दूंगा। उसके बाद है ऑडियो ट्रांजिशन, मतलब आपके ऑडियो में अगर कुछ ट्रांजिशन डालना है, जैसे कि फेड इन है, फेड आउट है, या फिर क्रॉस फेड, ये सब करना है, तो यहाँ पे दो तीन ऑप्शन है जो कि पहले से दिया गया है, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बावजूद आप खुद का भी अप्लाई कर सकते हैं इम्पोर्ट करके। उसके बाद है वीडियो इफेक्ट, मतलब आपके वीडियो फुटेजेस में कुछ अगर इफेक्ट डालना है तो ये सब आप डाल सकते हैं, इसको मैं डिटेल्स में बता दूंगा आपको। और आखिर में है वीडियो ट्रांजिशन, मतलब आपके दो क्लिप के बीच में, आपके वीडियो के दो क्लिप के बीच में अगर कुछ ट्रांजिशन वगैरह डालना है, जैसे कि जूम इन, जूम आउट है, डिसॉल्व है, ये सब यहाँ पे पहले से ही मौजूद है। तो अब जानते हैं पूरा डिटेल्स में इसके ऊपर कि ये कैसे काम करता है। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं प्रीसेट के, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल प्रीसेट ऑलरेडी है। ये सब इसको अच्छे से समझने के लिए मैं ये जो इफेक्ट पैनल है इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ, यहाँ से आप थोड़ा इजीली समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जाते हैं प्रीसेट में। प्रीसेट के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं, या ब्लरिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, मोजाइक ये ऑप्शन मिल जाएगा। अब इसको हम अप्लाई करके भी देखते हैं, अगर ये मोजाइक इन का अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो आप वीडियो में देख सकते हैं ये मोजाइक इन जैसे होके आया। अभी इसको थोड़ा लार्ज करते हैं स्क्रीन को, तो अभी आप देख सकते हैं ये जो ट्रांजिशन यहाँ पे आ गया। अगर इसको मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ तो ये पूरा प्लेन स्टार्ट होगा, लेकिन अगर मैं मोजाइक इन यहाँ पे अगर डालता हूँ तो आप देख सकते हैं कैसे स्टार्ट हुआ। और उसी में अगर मोजाइक आउट भी अप्लाई करता हूँ तो ये जब वीडियो ख़त्म होगा तभी भी मोजाइक होके ही ख़त्म होगा। अभी आप देख सकते हैं क्लियरली, फिर से एक बार दिखाने की कोशिश करता हूं, ये मोजाइक फेड हो गया। तो ऐसे ये सब बहुत सारे चीजें हैं, इसको मैं फिर से कंट्रोल जी करता हूं, मैं ब्लर का ऑप्शन दिखाता हूं आपको। मैं यहां पे बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो मैं यहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अभी आप देखें यहां पे कि ये कैसे ब्लर होके स्टार्ट हुआ, इसको ब्लर इन कहते हैं। अगर खत्म भी ब्लर होके करना है तो उसको ब्लर आउट कहते हैं, तो उसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया मैं, अभी आप देख सकते हैं। तो बस यहाँ पे सिंपल सा काम है, या आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और बहुत आसानी से आप बहुत सारे इफेक्ट डाल सकते हैं आपकी वीडियो में। इसके बावजूद आप
आपका खुद का भी जो प्रीसेट है उसको भी आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद राइट क्लिक, और यहाँ पे लिखा है देख सकते हो आप इंपोर्ट प्रीसेट, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और आपका जो प्रीसेट है वो जहाँ भी है वो लोकेशन पे जाना पड़ेगा। जैसे कि मैं अगर बात करूँ 50 स्मूथ ट्रांजेक्शन पैक, इसको यहाँ पे आ गए, ये मेरा लोकेशन है, इसको इसके ऊपर क्लिक करके मैं मुझे ओपन पे क्लिक करना पड़ेगा तो ये वहाँ पे आ जाएगा मेरे प्रीमियर प्रो में। क्योंकि ये मेरा प्रीमियर प्रो में ऑलरेडी इंस्टॉल किया हूँ इसलिए मैं अभी इसको कैंसिल कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 स्मूथ ट्रांजेक्शन पैक आ गया, ये एक प्रीमियम पैक है, इसको भी मैं बंडल के अंदर ऐड कर दिया हूँ, आप इसको यूजली यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ है, थोड़ा हाई डेफिनेशन वाला है यहाँ पे। अब ये सब ट्रांजेक्शन बहुत हाई एंड है और बहुत सिंपल है यूज करने को, आप बहुत आसानी से इसको यूज कर सकते हैं और ये बहुत हाई क्वालिटी का है। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमारे फ्रेम को जो भी है थोड़ा कट करना पड़ेगा जितना में हम ट्रांजेक्शन देना चाहते हैं। तो ये मेरा पूरा जो फुटेज है इसको मैं थोड़ा क्रॉप किया यहाँ पे, और ये जो भी आपको ट्रांजेक्शन अप्लाई करना है आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे। यहाँ पे ड्रैग किया मैं, छोड़ दिया यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इफेक्ट क्या आएगा। अभी यह व्हिप इफेक्ट था तो यहाँ पे व्हिप हुआ। अगर यहाँ पे मैं वार्प ट्रांजेक्शन डालता हूँ तो सिंपली यहाँ पे जाना है वार्प पे और यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो अभी आप देख सकते हैं कैसे यह ट्रांजेक्शन था, ये वार्प वाला, अभी ये प्लेन हो गया। इसके बाद अगर आपको ग्लिच करना है तो ग्लिच में भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ये ड्रैग एंड ड्रॉप। स्टार्टिंग पे आप देखें अभी कि कैसे ग्लिच हुआ, ये ग्लिच 2 में डाल रहा हूं अभी, यहाँ पे देख सकते हैं अभी ये ऐसा ग्लिच होगा। अभी देखिए ये ट्रांजेक्शन, अगर आपको अच्छा लगता है, एक्चुअली ये बहुत ट्रेंड में है अभी, ये और एक ट्रांजेक्शन था ग्लिच का ही। उसके बाद अगर लेंस फ्लेयर का ट्रांजेक्शन चाहिए तो इसको भी डाल सकते हो आप यहाँ पे, ये ऐसा एक लेंस फ्लेयर गया अभी आप देख सकते हैं। ये लेंस फ्लेयर था, वो ट्रांजेक्शन को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बावजूद भी बहुत सारे हैं, जैसे कि ऑफसेट ट्रांजेक्शन है ये। अभी ऑफसेट ट्रांजेक्शन के अंदर आपको बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, बॉटम टू टॉप, ये सब बहुत सारे चीज़ें हैं। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊँ तो लेफ्ट टू राइट हम देखते हैं, ये ट्रांजेक्शन पे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे और हम इसे प्ले करते हैं, तो देखिए अभी क्या ट्रांजेक्शन हुआ, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट होगा। अगर हम राइट टू लेफ्ट करेंगे तो इसको बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे, तो ये राइट टू लेफ्ट हुआ। तो अभी हम देख सकते हैं ये राइट टू लेफ्ट होगा, ये देख सकते हैं अभी। तो ये बहुत सारे प्रीमियम ट्रांजेक्शन है। इसके बाद स्लाइस ट्रांजेक्शन भी है, इसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं। स्लाइस के बाद आता है स्पिन, स्पिन में भी आपको स्पिन इफेक्ट मिल जाएगा अगर आपको स्पिन इफेक्ट डालना है। लेकिन स्पिन में आप देख सकते हो यहाँ पे दो लेयर है, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, मतलब ये दोनों को आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका ये इफेक्ट काम करेगा। अभी मैं दोनों डाल दिया हूँ, अभी आप देख सकते हैं कैसा स्पिन हुआ ये फुटेज। इसके बाद जूम इन जूम आउट भी है, ये जूम का अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप किया अभी, तो मैं अभी जूम इन का ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई किया। अभी देखते हैं कि जूम इन कैसे काम करता है यहाँ पे, ये देखिए जूम इन हुआ, जूम इन होके ये वीडियो स्टार्ट हुआ। अगर इसको हम कंट्रोल जी करते हैं और इसको जूम आउट करते हैं, अभी आप देखिए कि जूम आउट होके कैसे स्टार्ट हुआ यहाँ पे। ये सब बहुत इजी टू गो ट्रांजेक्शन है, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है लिमिटरी प्रीसेट। लिमिटरी प्रीसेट में आप कलर के रिगार्डिंग कुछ भी चेंजेस करना है तो उसको आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम अभी अप्लाई करेंगे सीनस्केप 100, तो यहाँ पे देख सकते हैं कलर में कितना चेंज आ गया। ये एक्चुअली ये फुटेज के लिए सही नहीं है, तो हम इसको कंट्रोल जी कर देते हैं और सीनस्पेस 50 लेते हैं, तो आप देख सकते हैं अभी कितना ये सिनेमेटिक हो गया इसका कलर। अगर ये पसंद नहीं है तो फिर से कंट्रोल जी कर दें आप। उसके बाद जाते हैं फिल्म स्टॉक पे, इसमें भी आपको बहुत सारे है। इसको अगर मैं डालता हूँ ये थोड़ा सिनेमैटिक लुक आ गया फिर से, आप देख सकते हैं। अगर ये भी पसंद नहीं आ रहा है तो फिर से कंट्रोल जी और उसके बाद कोई दूसरा। अगर यहाँ पे ये चेक करते हैं तो ये थोड़ा अच्छा है, ब्राइट है, ये आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना बार चाहे उतना बार यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये था ल्यूमेट्री प्रीसेट के बारे में। उसके बाद आता है ऑडियो इफेक्ट।
यहाँ पे बहुत सारे ऑडियो इफेक्ट है, अगर आपके ऑडियो में कुछ नॉइज़ वगैरह है तो ये डी नॉइज़ उस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ग्राफिक इक्वलाइजर ऐड करना है तो यहाँ पे अवेलेबल है, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको म्यूट मिल जाएगा, लो पास, हाई पास, बेस मिल जाएगा, बहुत सारे ऐसी चीज़ है जो आपके ऑडियो को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। एक्चुअली ये जो ऑडियो डिपार्टमेंट है ये एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है, ऑडियो के ऊपर मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आप आपके ऑडियो पे कैसे काम कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम वीडियो के ऊपर ही बात करेंगे। ऑडियो इफेक्ट के बाद ऑडियो ट्रांजेक्शन में डाल सकते हैं, जैसे कि क्रॉस इन, क्रॉस आउट, क्रॉस फेड, ये सब बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, उसको भी मैं अगला एक वीडियो में आपको बताऊंगा पूरा डिटेल पे। अब जाते हैं वीडियो इफेक्ट के ऊपर। यहाँ वीडियो इफेक्ट के अंदर आपको बहुत सारे चीज़ें मिल जाते हैं आपके वीडियो में अप्लाई करने के लिए, जैसे कि कलर करेक्शन हो गया, कलर करेक्शन कर सकते हैं आप आपका वीडियो का। यहाँ पे भी आपको ब्लर का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन ये सब बेसिक्स है। और यहाँ पे नॉइज़ अगर वीडियो में है उसका अगर घटाना है, या फिर नॉइस लेवल अगर ज़्यादा करना है, या नॉइस इफेक्ट आपको देना है, तो इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये नॉइस का ऑप्शन है, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं इफेक्ट कंट्रोल पे ये नॉइस का ऑप्शन आ गया है। तो ये अभी 0% है, तो आप देख सकते हैं कि फुटेज कितना क्लियर है। अगर ये 100% हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि फुटेज कितना नॉइजी हो गया। अब कुछ कुछ जगह पे ऐसे नॉइजी इफेक्ट भी डालना पड़ता है, तो ये आपको वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। फिलहाल मैं इसको 0 कर लेता हूँ और एंटर कर लेता हूँ, तो ये पूरा क्लीन हो गया। अगर इसको हटाना है तो आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, ये फिर से डिलीट हो गया। उसके बावजूद आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म के अंदर क्रॉप है, अगर आपका फुटेज आपको क्रॉप करना है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं क्रॉप का यूज करूँ, तो मैं ये क्रॉप ऑप्शन को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल पे मुझे क्रॉप का सेटिंग मिल गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम, ये चार ऑप्शन है। मुझे जहाँ पे भी क्रॉप करना है मैं वहाँ से क्रॉप कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे अगर टॉप से 15% क्रॉप करना है, तो सिंपली यहाँ पे मुझे 15 टाइप करना है, उसके बाद एंटर दबा देना है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ऊपर से क्रॉप हो गया। अगर नीचे से अगर मुझे 50% क्रॉप करना है, अगर आधा क्रॉप करना है, तो मैं यहाँ पे 50 टाइप करूँगा और एंटर कर दूंगा, तो यहाँ पे 50% क्रॉप हो गया। इजीली आप देख सकते हैं, मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल जेड, अभी यहाँ पे फिर से आ गया और यहाँ पे फिर से सब 0 हो गया। अगर इसको हमको हटाना है तो यहाँ पे सिंपल क्लिक करके डिलीट करना है, तो ये हट जाएगा। उसके बावजूद यहाँ पे वीडियो का भी एक ऑप्शन है, जिसके अंदर आपको क्लिप का नेमिंग करना है, अगर आपको टाइम कोड डालना है, या फिर सिंपल टेक्स्ट अगर डालना है, तो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई पर्टिकुलर क्लिप के अंदर कुछ अगर आपको सिंपल टेक्स्ट डालना है तो आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन ये टेक्स्ट पूरा सिंपल रहेगा, आपको ज्यादा कुछ मॉडिफाई करने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ यहाँ पे सिंपल टेक, उसके बाद ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ गया सिंपल टेक। ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर इसको हटाना है तो यहाँ पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, ये हट जाएगा। तो गाइस ये था वीडियो इफेक्ट के बारे में। अब जानते हैं वीडियो ट्रांजिशन। वीडियो ट्रांजिशन मतलब अगर आपको दो क्लिप के अंदर, दो अलग अलग क्लिप के अंदर अगर कुछ इफेक्ट डालना है, तो उसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, ये एक क्लिप है, आप देख सकते हैं अभी, इसके बाद ये क्लिप स्टार्ट होता है। अगर ये दो क्लिप के अंदर मुझे कुछ अगर ट्रांजिशन डालना है, कुछ इफेक्ट डालना है, तो आपको ये वीडियो ट्रांजिशन के अंदर मिल जाएगा। जैसे कि 3D मोशन हो गया, अगर मैं यहाँ पे क्यूब स्पिन करूँ तो आप देख सकते हैं ये ट्रांजिशन आ गया यहाँ पे। अगर मैं कुछ और अप्लाई करना चाहता हूँ, फ्लिप ओवर है, यहाँ पे फ्लिप ओवर करना चाहता हूँ, तो ये पूरा फ्लिप होगा, देखिए जैसे फ्लिप होके आया। अगर मैं डिजॉल्व करना चाहता हूँ, जैसे कि क्रॉस डिजॉल्व हो गया, या फिर डीप टू ब्लैक हो गया, इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करना है बस। सिंपल देखिए अभी आप कैसे डिजॉल्व होके ये धीरे धीरे ब्लैक होके फिर से स्टार्ट हुआ। अभी आप देख सकते हैं ये बहुत इजीली ब्लैक आउट होके फिर से स्टार्ट हुआ। अभी आप देख सकते हैं अभी अगर मुझे डीप टू व्हाइट करना है, तो मुझे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो पिछली बार स्क्रीन ब्लैक हुआ था, इस बार स्क्रीन व्हाइट हो जाएगा, देख सकते हैं। ये एक अच्छा ट्रांजिशन है, इसको भी आप काम में ले सकते हैं।
इसके बाद आप यहाँ पे इमर्सिव वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे जो बहुत सारे वीआर वाला इफेक्ट आपको मिल जाएगा, अगर मैं इसको डालता हूँ वीआर क्रोमा को, तो आप देख सकते हैं ये भी एक अच्छा ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन फिर से देखें, बहुत ही बढ़िया ट्रांजेक्शन है ये। अगर मैं वीआर जूम की बात करूँ तो इसको भी अब हम चेक करेंगे, देख सकते हैं जैसे कि वीआर जूम हुआ, ये एक अच्छा इफेक्ट था। इसको भी आप बहुत सारी जगह पे आप यूज कर सकते हैं। अगर ब्लर की बात करूँ तो ये भी इफेक्ट भी बहुत पॉपुलर है, इसको भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं। ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और बहुत अच्छा ट्रांजेक्शन ही है एक्चुअली। इसके बाद आपको आयरिस मिल जाएगा, आयरिस बॉक्स, आयरिस क्रॉस, ये सारे मिल जाएगा। जैसे कि अगर इसको बात करूँ आयरिस बॉक्स की, तो मैं यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बॉक्स की तरह ये ट्रांजेक्शन आया। अभी फिर से दिखा रहा हूँ मैं आपको, आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आयरिस डायमंड की बात करूँ मैं, तो ये भी आप देख सकते हैं ऐसे डायमंड कट होके निकला। अभी फिर से प्ले कर रहा हूँ, ये कट था। अगर आयरिस राउंड करके प्ले करते हैं तो ये पूरा राउंड होके निकलेगा, आपने देखे। अभी मैं फिर से प्ले कर रहा हूँ, तो ये सब कुछ कुछ ट्रांजेक्शन है जो कि आपको फ्री में मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पे पेज फिल, स्लाइड, वाइप, जूम बहुत सारे मिल जाएगा। क्रॉस जूम है, अगर मैं क्रॉस जूम को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हैं क्या होगा। अभी ये जूम इन जूम आउट होके एक ट्रांजेक्शन, बहुत ही अच्छा वाला ट्रांजेक्शन है ये, बहुत जगह पे काम में आता है। मैं फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ, अभी आप देखें ये बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांजेक्शन है। और एक बार प्ले करते हैं, ये जूम इन जूम आउट वाला एक ट्रांजेक्शन था, इसको बहुत सारे जगह पे यूज करते हैं लोग। तो गाइस ये था प्रीसेट्स के ऊपर कुछ कुछ टॉपिक्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे तो बहुत सारे प्रीसेट दिए गए हैं, उसके बावजूद यहाँ पे मेरा जो 50 स्मूथ ट्रांजेक्शन पैक है ये आपको बंडल के अंदर मिल जाएगा, जो एडिटिंग बंडल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसका लिंक नीचे होगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कलर पे कैसे काम किया जाता है, कलर करेक्शन कैसे किया जाता है, ये जानते हैं अभी। हे गाइस, तो अभी हम जानने वाले हैं कलर्स के बारे में, ये जो कलर पैनल है इसका यूज कैसे कर सकते हैं हम, और कैसे अपने फुटेज को एक सिनेमैटिक लुक दे सकते हैं, इसके ऊपर हम जानने वाले हैं अभी। तो ये सेक्शन में हम जानेंगे कलर करेक्शन प्लस कलर ग्रेडिंग दोनों के बारे में। अब जिनको नहीं पता कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग क्या है, तो गाइस बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग जो है वो सेम चीज है, दोनों एक ही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग दोनों एक चीज नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग सा है। अब जिनको नहीं पता कलर करेक्शन क्या है, तो अब मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग में जो डिफरेंस है वो क्या है, बाद में इसके ऊपर मैं एक इन डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस कलर करेक्शन का मतलब है कि आपका जो भी कोई फुटेज है उसको, तो गाइस कलर करेक्शन का मतलब है आपका ये जो फुटेज है इसका जो कलर है, ये जो अब पंची नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पे फ्लैट प्रोफाइल दिख रहा है आपका फुटेज, इसको कलरफुल बनाना। जैसे कि मैं अगर आपको ट्रायल बताता हूँ, तो यहाँ पे मैं बेसिक करेक्शन कर रहा हूँ। अगर मुझे थोड़ा क्लाइमेट, थोड़ा ठंडा क्लाइमेट दिखाना है, तो इसको मैं ब्लू करूँगा, और इसका जो टेम्परेचर है इसको मैं डाउन करूँगा। और अगर मुझे थोड़ा गर्म क्लाइमेट दिखाना है, हॉट क्लाइमेट दिखाना है, तो इसको मैं थोड़ा टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा यहाँ पे। वैसे ही अगर इसका कंट्रास्ट बढ़ाना है तो मैं कंट्रास्ट बढ़ा सकता हूँ, हाईलाइट ज़्यादा कम करना है तो वो भी कर सकता हूँ, ये सब कलर करेक्शन में जाता है। उसके बाद इसका शेडो अगर ज़्यादा कम करना है तो वो भी कर सकता हूँ, अगर मुझे और कलर चाहिए तो इसका सैचुरेशन जो है वो बढ़ा सकता हूँ, ये सब को कलर करेक्शन कहा जाता है। लेकिन कलर ग्रेडिंग का मीन्स, अब ये जो फुटेज है इसको मैं कौन सा प्रोफाइल पे यूज करने वाला हूँ, कि मान लो मुझे सिनेमैटिक बनाना है तो उसके लिए कलर ग्रेड सिनेमैटिक करना पड़ेगा। जैसे कि मैं ये अपना बहुत सारे कलर प्रोफाइल बना कर रखा है जिसको लट्स कहते हैं, मैं ये सिनेमैटिक लट्स यूज करूंगा, तो ये पूरा देख सकते हैं अभी आप सिनेमैटिक बन गया, तो इसको कहते हैं कलर ग्रेडिंग। तो अब डिटेल में जानते हैं कि इसको हम कैसे यूज करेंगे, और आपके ये जो रॉ फुटेज है इसको कैसे सिनेमैटिक वे में चेंज कर सकते हैं वो अभी जानने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि ये जो रॉ फुटेज है इसको हम कैसे एक पूरा सिनेमैटिक वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये कैसा फुटेज है, और कलर ग्रेडिंग के बाद
और कलर करेक्शन के बाद ये कैसे सिनेमैटिक वे में आपको चेंज हो रहा है। कुछ इसी तरीका से आप आपका भी फुटेज को चेंज कर सकते हैं और आप भी आपके फुटेज पे कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। मैं ऐसे ही बहुत सारे रॉ फुटेज है जिसको कि मैं अपने बंडल्स में ऐड किया हूँ, आप चाहे तो उसको डाउनलोड कर, आपको बंडल खरीदने से आपको ये सारे रॉ फुटेज मिलेगा और आपको उस फुटेज पे काम करके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप पूरा हैंड्स ऑन कर सकते हो, कलर करेक्शन कैसे करना है और कलर ग्रेडिंग कैसे करना है वो सीख सकते हैं, जो कि आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाला है। और अगर आपको कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शन का नॉलेज अगर आ गया तो आपको एडिटिंग का असाइनमेंट मिलने का चांसेस बहुत है, क्योंकि कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है व्हेन इट कम्स टू वीडियो एडिटिंग। अगर आपको कलर करेक्शन का नहीं पता और कलर ग्रेडिंग का नहीं पता, DI कैसे करते हैं वो नहीं पता, तो आप एक अच्छे एडिटर बन नहीं पाएंगे। तो मेरा स्ट्रांगली रिकमेंड है कि आप कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शन जो है वो अच्छे से सीखें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, अब देखते हैं कि कलर करेक्शन कैसे किया जाता है। तो ये है हमारा अभी जो रॉ फुटेज है। तो सबसे पहले मान लो कि अगर हम एडिटिंग के टैब पे हैं तो हमको कलर के टैब पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे कलर के टैब पे आते ही आपको यहाँ ऊपर बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं बेसिक करेक्शन, क्रिएटिव, कर्व्स, कलर व्हील्स एंड मैच, HSL सेकेंडरी और विग्नेट। ये सारे ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं आपके कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग के प्रोसेस में। हम जानते हैं अभी वन बाय वन ये सब एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहला सेक्शन है बेसिक करेक्शन। तो जैसे कि इसका नाम है बेसिक करेक्शन, तो यहाँ पे आप कलर करेक्शन कर सकते हैं। ये फुटेज को अगर आपको थोड़ा कोल्ड दिखाना है थोड़ा, तो इसको आप टेम्परेचर को अप एंड डाउन कर सकते हैं। अगर हॉट दिखाना है तो यहाँ पे उसको हाई कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ये हाई हो गया। उसके नीचे टिंट है, अगर आपको टिंट चेंज करना है तो यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं। ये बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है टेम्परेचर और टिंट का, इसको आप आपकी मर्जी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आपको जो मूड है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये सब मैनुअली सेट नहीं करना आता या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसा करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पेन का टूल है, इसको आप क्लिक कर सकते हैं। ये है WB सिलेक्टर, मतलब व्हाइट बैलेंस सिलेक्टर। इसको आप कहीं पे भी क्लिक करें, जो जहाँ पे आपका कलर करेक्शन करना है, जिसके हिसाब से आपका कलर चेंज करना है या टेम्परेचर चेंज करना है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और ये ऑटोमेटिकली आपका जो काम कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर ये स्काई का कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके स्काई पे क्लिक करूंगा, तो ये अपने हिसाब से ये जो कलर करेक्ट कर दिया है यहाँ पे। अगर मुझे ठीक नहीं लग रहा है तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ बाद में बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर मुझे ये जो फील्ड है इसका, अगर इसके हिसाब से अगर मुझे कलर टेम्परेचर चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा मुझे। तो आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक जो है वो चेंज कर रहा है कलर। इसके बाद जाते हैं टोनिंग पे। यहाँ पे बहुत सारे टोन का ऑप्शन है, जैसे कि एक्सपोजर है, अगर हम इसको ज़्यादा ब्राइट करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा इसका एक्सपोजर को बढ़ाते हैं तो ये ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। अगर एक्सपोजर कम करना है थोड़ा अगर डिम दिखाना चाहते हैं तो एक्सपोजर कम कर सकते हैं तो ये थोड़ा डार्क हो जाएगा, मतलब थोड़ा डिम हो जाएगा। इसके बाद आता है कॉन्ट्रास्ट, इसको आपको कॉन्ट्रास्ट कितना सेट करना है, हाई करना है, लो करना है, ये आपके ऊपर है। आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप कॉन्ट्रास्ट डाल सकते हैं। इसके बाद हाईलाइट है, यहाँ पे जो भी जितने भी स्पॉट है उसको कितना हाईलाइट करना है वो आपके ऊपर है, आप उसको अपने तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं फुटेज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगेन मैं बोलना चाहूँगा। इसके बाद सेम शैडो है, आप शैडो कितना दिखाना चाहते हो आप आपके फुटेज में वो भी डिपेंड करता है। उसके बाद व्हाइटनेस है, व्हाइटनेस कितना आपको रखना चाहिए आपके फुटेज पे वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद आता है ब्लैक, आप आपके फुटेज का जो ब्लैक्स कितना रखना चाहते हो वो आप आपके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। सबसे नीचे है सैचुरेशन, सैचुरेशन कितना देना चाहते हो, सैचुरेशन का मतलब है कलर, आप कितना कलर उसमें डालना चाहते हो, कितना सैचुरेट करना चाहते हो आपके फुटेज को, इसको आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं अभी ये फुटेज को मेरे हिसाब से कलर करेक्ट करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा एक ब्राइट डे है और मुझे ये जो स्काई का कलर है इसको थोड़ा ब्लू रखना है, तो मैं इसका टेम्परेचर को थोड़ा डिम करूँगा, -11 पे लेके आऊँगा। टिंट को मुझे टच नहीं करना है, टिंट को एज इट इज में छोड़ दूंगा,
इसको मैं 0 पे ही रखूंगा। उसके बाद एक्सपोजर पूरा सही है, तो एक्सपोजर में मैं कुछ नहीं करूंगा, बहुत सही है। और कंट्रास्ट मुझे थोड़ा बढ़ाना है यहाँ पे, तो थोड़ा कंट्रास्ट बढ़ाऊंगा मैं, 35 तक रखूंगा मैं इसको, 34.5 ठीक है, 35 में रखूंगा। हाईलाइट भी एकदम सही है, हाईलाइट को थोड़ा बढ़ाते हैं, 15 तक रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रॉपरली हाईलाइटेड है ये फुटेज। शेडो को थोड़ा कम करते हैं ताकि थोड़ा क्लियरिटी दिखे अच्छे से। उसके बाद ये व्हाइट्स आता है, व्हाइट्स को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, हल्का सा बढ़ाएंगे क्योंकि ये प्रॉपरली एक्सपोज्ड है। और ये जो ब्लैक है, ब्लैक को भी थोड़ा कम करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये जो एरिया में थोड़ा ब्लैकनेस बढ़ रहा है, इसको भी -20 तक रखेंगे। इसके बाद आता है सैचुरेशन, सैचुरेशन को मैं थोड़ा बढ़ाऊंगा अप टू 115 तक, 115। अब ये फुटेज प्रॉपरली कलर करेक्शन हो गया है इसका, इसको अगर मैं सिनेमैटिक लुक देना है, अगर या फिर ब्लैक एंड व्हाइट देना है, या आपके जो वीडियो के सीक्वेंस के हिसाब से आपको जो मूड देना है, अब हम उस पर क्रिएटिव लगा सकते हैं, जिसको कहते हैं लट्स। यहाँ पे बहुत सारे लट्स है, आप लट्स, सिंपली एक लट्स अप्लाई करके आप इसको सिनेमैटिक बना सकते हो। ये मेरा बहुत सारे लट्स है जो प्रीमियम है, और इसको मैं अपने हर वीडियो में यूज करता हूँ। ये सारे लट्स आपको वीडियो एडिटिंग बंडल के अंदर मिल जाएंगे, जिसके मदद से आप एक क्लिक में पूरा सिनेमैटिक लुक ले आएंगे, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं दिखाने वाला हूँ, ये जो ऑरेंज एंड टील इफेक्ट है, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, इसको बहुत सारे मूवी में भी यूज़ किया जाता है, तो मैं ये फुटेज पे ये ऑरेंज एंड टील इफेक्ट जो है वो यूज़ करने वाला हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं फुटेज कितना प्लेन है, अब मैं एक क्लिक करूँगा बस, अभी आप चेंजेस देख सकते हैं। अब ये प्लेन है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कितना पूरा चेंज हो गया। इसका फर्क जानने के लिए आप यहाँ पे ये जो टिक बॉक्स है, टिक मार्क है, यहाँ पे इसको क्लिक कर सकते हैं, ये ऑन है। यहाँ पे अगर टिक है तो वो जो फिल्टर है यहाँ पे अप्लाई किया गया है, अगर इसको मैं ऑफ करूँ तो ये पूरा प्लेन हो जाएगा, मतलब वो जो इफेक्ट है वो हट जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं विदाउट और विथ, ये जो ऑरेंज एंड टेल इफेक्ट होने के बाद और ये उससे पहले। तो गाइस मैं फिर से एक बार आपको बिफोर और आफ्टर का जो फुटेज का ट्रांसफॉर्मेशन है वो दिखा दूंगा आपको। तो गाइस आप देख सकते हैं जो पहले का फुटेज है ये ऐसा था, पूरा रॉ फुटेज था, लेकिन एडिटिंग के बाद इसका जो लुक आएगा आप देख के पूरा खुश हो जाएंगे। तो ये मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको कंपेरिजन, जो कि रॉ वर्सेस एडिटेड फुटेज का है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे रोल हो रहा है, कैसा प्लेन फुटेज था यहाँ पे, और यहाँ पे कैसा पूरा एडिटेड होने के बाद कैसा दिख रहा है, ये एडिटेड होने के बाद कैसा दिख रहा है। और ये सब काम करने के लिए मुझे बस 2 से 3 मिनट लगा, 2 से 3 मिनट के अंदर ये पूरा प्रोसेस खत्म हो गया। ये एक क्लिप की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे आप धीरे धीरे कलर करेक्शन सीखते जाएंगे, आपका हैंड्स ऑन होता जाएगा, आप कम से कम समय में ये काम कर सकते हैं। तो गाइस अब हम जाने के कर बेसिक करेक्शन क्या होता है और क्रिएटिव क्या होता है, उसके बाद जानते हैं कर्व्स। ये इसको कहा जाता है कलर करेक्शन कर्व्स, इसके मदद से भी आप आपके जो कलर ट्यून है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 4 कलर का डॉट है, व्हाइट, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब ये फुटेज पे जो कलर पे आप चेंजेस करना चाहते हो उस पे क्लिक कर सकते हैं, और उस कलर के जो टोन है उसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इस टॉपिक में मैं सिर्फ ओवरव्यू बता रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, एज ए बिगिनर आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके ऊपर मैं एक डिटेल पे वीडियो बनाऊंगा पॉइंट बाय पॉइंट, ये एक वीडियो में सारा चीजें पूरा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा समझने के लिए एज ए बिगिनर। अब ये रेड का हो गया, अगर मुझे ग्रीन में कुछ चेंजेस करना है तो मैं ग्रीन के साथ खेल सकता हूँ। अगर मुझे थोड़ा विंटेज लुक देना है तो इसको हम विंटेज लुक भी दे सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये पूरा विंटेज लुक आ रहा है।
ऐसे आप कलर के साथ खेल सकते हैं, आपके जो मर्जी वहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। ये सीखने के लिए आपको थोड़ा टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके आप इसके पूरा हैंड्स ऑन कर पाएंगे। इसके बाद इसका आता है ह्यू वर्सेस सैचुरेशन। आप ये बार के जरिए ये फुटेज का ह्यू और सैचुरेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। आपको जो कलर का ह्यू और सैचुरेशन चेंज करना है बस आप उसी कलर पे फोकस कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कलर्स का जो बार है वो दिख रहा है यहाँ पे। इसके बाद जाते हैं दोस्तों कलर व्हील्स और मैच पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे व्हील्स टाइप की चीजें हैं। यहाँ पे आप आपके मिड टोन चेंज कर सकते हैं, हाईलाइट चेंज कर सकते हैं फुटेज का, और शेडो वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसका भी बहुत सारे टेक्निक्स है, अभी शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ और इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अब आपके फुटेज पे जो भी कलर करेक्शन करना है, मतलब मान लो अगर इसको थोड़ा येलोइश करना है, अगर जो शैडोज है उसको, तो आप शैडोज पे काम कर सकते हैं। ये आप नीचे देख सकते हैं अभी ये जो शैडो एरिया है इसको यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, इसको घुमाने से। यहाँ पे इसको रेडिश करना है तो रेडिश कर सकते हैं, या थोड़ा ब्लूइश करना है तो ब्लू में जा सकते हैं, और उसको थोड़ा डीप या अगर लाइट करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बार है, ये बार पे क्लिक करके आप इसको ऊपर नीचे करके इसको ब्राइट या डाउन कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वैसे ही फुटेज के जो हाईलाइटेड एरिया है उस पे चेंजेस करने के लिए ये हाईलाइट वाला टूल को आप यूज कर सकते हैं। सेम अगर वो जो हाईलाइटेड एरिया है उस पे जो कलर का चेंजेस करना है यहाँ पे वो आप कर सकते हैं बहुत ही इजी से। अगेन ये जो बार है इस पे आप मीटरिंग कर सकते हो कितना करना है। इसके बाद आता है दोस्तों विग्नेट। विग्नेट मतलब ये जो कॉर्नर से कॉर्नर्स को हम थोड़ा डार्क कर सकते हैं ताकि हम जो फुटेज का जो सेंटर पॉइंट है उस पर ज़्यादा फोकस आए। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो विग्नेट अमाउंट है ये जीरो है, मतलब ये जो कॉर्नर से ये कोई डार्क नहीं है। हमने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको थोड़ा डार्क करना चाहते हैं तो डार्क कर सकते हैं ताकि जो फोकस है ये जो मिड एरिया पे रहे, या फिर अगर आपको व्हाइट करना है जैसे कि थोड़ा ड्रीमी मूड सीक्वेंस हो गया, थोड़ा सपने वाला सीक्वेंस हो गया, उसके लिए अगर आपको व्हाइट करना है तो व्हाइट भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल अभी इसको थोड़ा ब्लैक कर दूंगा। उसके बाद हमारा जो मिड पॉइंट है वो सेट कर सकते हैं कि हमारा मिड पॉइंट कौन सा है, ये छोटा सा एरिया है या उसको बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद जो मिड पॉइंट का राउंडनेस है, राउंडनेस को सेट कर सकते हैं, ये कितना राउंड चाहिए या पूरा फुटेज पे चाहिए या ऐसे पैरेलल चाहिए, ये आपके हिसाब से राउंडनेस को भी सेट कर सकते हैं। आपको राउंडनेस कितना चाहिए, ये राउंडनेस सेट हो गया अभी यहाँ पे। उसके बाद फेदर को सेट कर सकते हैं, मतलब आपको कितना ट्रांसपेरेंटली चाहिए ये फेदर, मतलब कितना गाढ़ा चाहिए आपको या पूरा हल्के से चाहिए। जैसे कि फेदर को अगर मैं जीरो करूँ तो आप देख सकते हैं ये फुटेज ऐसा दिख रहा है, लेकिन फेदर को अगर 100 कर दूँ तो ये पूरा सॉफ्ट हो गया आप देख सकते हैं। तो ऐसे आप आपके फुटेज पे कलर करेक्शन कर सकते हैं। आप आपके मर्जी के हिसाब से जो मर्जी कलर चाहे वो मर्जी कलर आप डाल सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के। तो दोस्तों ये था कलर्स के ऊपर जो मेरा सेक्शन, इसमें कलर करेक्शन का और कलर ग्रेडिंग का आपको समझ में आया होगा। हालांकि ये वीडियो में मैं ब्रीफ में बताया हूँ, जैसे कि आपको मैं पहले से बता चुका हूँ, इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो फिर से आने वाला है। और ये जो मेरा फुटेज है, जैसे कि ये जो रॉ फुटेज है, ऐसे बहुत सारे फुटेज में वीडियो बंडल्स के अंदर ऐड किया हूँ, आप उसको यूज कर सकते हैं। आप उसको अपने वीडियोस पे भी यूज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। उसके बावजूद मैं ये जो प्रीमियम अपना जो लट्स है, जो मेरा लट्स है, इसको भी मैं बंडल के अंदर ऐड कर दिया हूँ, उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं आपके वीडियो के अंदर, और आपको एक फुटेज का जो मर्जी वो लुक दे सकते हैं। अगर मोटा मोटा बात किया जाए तो हम ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स कवर कर दिए। एज ए बिगिनर आपको ऑलमोस्ट सारा चीज पता चल गया है। अब आखिर में वीडियो के काम खत्म होने के बाद हम इसको एक्सपोर्ट कैसे करते हैं वो हम जानेंगे आने वाले सेशन पे। तो गाइस अब हम पूरा जान चुके हैं कि वीडियो को कैसे लाएंगे, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम असेंबलिंग, उसके बाद एडिटिंग, उसके बाद ग्राफिक्स, उसके बाद ऑडियो और इफेक्ट और कलर, मतलब ऑलमोस्ट सारा चीज कवर हो चुका है। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो
तो मेरे हिसाब से आपको मैक्सिमम चीज़ें समझ में आ चुका है कि स्टार्टिंग एक वीडियो आपको कैसे बनाना चाहिए। और मुझे उम्मीद है आप बहुत इजीली जो वीडियो एडिटिंग प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अब जो लास्ट चीज़ है वो एक चीज़ बाकी है, जो अब एक बार वीडियो बना लेते हो उसके बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कैसे करोगे, आप कौन सा सेटिंग पे उसको एक्सपोर्ट करोगे, वो सब समझना अभी बाकी है। तो अब हम जानते हैं कि वीडियो को कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले ना आपको वीडियो को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के लिए मतलब आपको कहाँ से कहाँ तक वीडियो चाहिए। तो मान लीजिए मेरे पास ये 8 या 10 मिनट का एक वीडियो है, मैं ये एक ही क्लिप को बार बार यहाँ पे कॉपी कर चुका हूँ ताकि ये इसका लेंथ थोड़ा बड़ा हो जाए। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ से चाहिए और पूरा एंड तक चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जहाँ से भी मुझे चाहिए वहाँ से मैं स्टार्टिंग पॉइंट दूंगा और जहाँ तक चाहिए उसको मैं एंड पॉइंट दूंगा। तो इसको हम करते हैं मैक्सिमाइज, अपने जो टाइमलाइन को सबसे बड़ा करते हैं और उसके बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट पे हमारी जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना यहाँ पे ये बार को लेके आते हैं, ये जो ब्लू कलर का बार है इसको लेके आते हैं। अब एक बार यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया, यहाँ पे हम प्रेस करेंगे आई, कीबोर्ड में आई प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पे ये जो मार्क इन का बटन है इसको हम प्रेस करेंगे। आई का मतलब इन, मतलब मार्क इन। अब ये मार्क इन हो गया मतलब हमारा वीडियो यहीं से स्टार्ट होगा। अब कहाँ तक चाहिए, कहाँ वीडियो ख़त्म होगा, वहाँ पे मार्क आउट पॉइंट देंगे। तो मतलब यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके हम ओ प्रेस करेंगे। ओ मतलब मार्क आउट, या तो हम ओ प्रेस करेंगे या फिर ये वाला जो ब्रैकेट है इसको हम, ये कर्ली ब्रैकेट है इसको हम प्रेस करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है मार्क आउट। तो ये मार्क इन मार्क आउट सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रे कलर का एक एरिया बन गया और येलो कलर का ये लाइनिंग आ गया, मतलब ये इतना एरिया सिलेक्ट हो चुका है। अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो इतना ही एरिया एक्सपोर्ट होगा। अगर इसके आगे कुछ वीडियो है या इससे पहले भी कुछ वीडियो है तो वो एरिया सिलेक्ट नहीं होगा। ये मार्क इन और मार्क आउट के बीच में जितना एरिया है वही सिलेक्ट होगा, आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद हम जाते हैं फाइल में। फाइल में आप नीचे आके देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे जाएंगे, एक्सपोर्ट में मीडिया पे जाएंगे। मीडिया पे क्लिक करते ही एक नया विंडोज ओपन होगा, ये देख सकते हैं आप। ये जो नया विंडोज में आपको बहुत सारी चीजें मांग रहा है, तो सबसे पहले ये मैथ सीक्वेंस सेटिंग है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है क्लिक कर लेते हैं लेकिन आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, आपको मैन्युअली ये सब करना है। पहले यहाँ पे सेट करना है फॉर्मेट। फॉर्मेट हमारा जो वीडियो का फॉर्मेट होता है वो H.264 होता है, जो कि प्रीमियर प्रो में बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक है। उसके हिसाब से आपको H.264 ही आपको रखना चाहिए, या और कुछ फॉर्मेट यहाँ पे पहले से ही है तो आप प्लीज उसको H.264 कर दीजिए। H.264 सबसे बेस्ट फॉर्मेट होता है। उसके बाद आते हैं प्रीसेट, मतलब आप कौन सा क्वालिटी का जो वीडियो है वो चाहते हैं। आप यहाँ पे बहुत सारे क्वालिटी मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं फेसबुक 720 HD या फिर फेसबुक 1080p, फेसबुक 4K, ये सारे बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसके बाद मोबाइल डिवाइस के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, ट्विटर के लिए ऑप्शन है, वीमियो के लिए ऑप्शन है और सबसे नीचे जो ऑप्शन है वो है यूट्यूब के लिए। तो आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब में, तो हमारा ये वीडियो जाएगा यूट्यूब में, तो उसके लिए मैं यूट्यूब का ऑप्शन चूज करूँगा। अगर मुझे 1080p में अपलोड करना है तो 1080p में सिलेक्ट करूँगा, अगर मुझे 4K में अपलोड करना है तो मैं 4K में अपलोड करूंगा। तो फिलहाल मैं इसको 1080p रखता हूँ। ये हो गया 1080p रेजोल्यूशन पे, मतलब जो फुल HD रेजोल्यूशन है उसमें आ गया है। इसके बाद रखते हैं आउटपुट नेम। आउटपुट नेम मतलब जो फाइल ये बनेगा उसका नाम क्या होगा, आपके हिसाब से नाम दे सकते हैं। मैं इसको देता हूँ टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्रीमियर प्रो और इसको करते हैं सेव। अब हमारा नाम सेव हो गया, जो फाइल यहाँ से निकलेगा ये टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्रीमियर प्रो के नाम पे सेव होगा ऑटोमेटिकली। इसके बाद हमको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखने को मिलते हैं, पहला है एक्सपोर्ट वीडियो, एक्सपोर्ट ऑडियो। आपको अगर सिर्फ वीडियो चाहिए, ऑडियो नहीं चाहिए तो सिर्फ वीडियो पे क्लिक करना है। अगर आपको सिर्फ ऑडियो चाहिए तो सिर्फ ऑडियो पे क्लिक करना है। अगर आपको दोनों चाहिए तो दोनों पे क्लिक करना है। इसके बाद आता है समरी, मतलब यहाँ पे आउटपुट कहाँ पे रहेगा। इसके बाद यहाँ पे दिया है समरी, ये आउटपुट और सोर्स ये सब यहाँ पे मेंशन किया गया है, मतलब ये जो वीडियो एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होने के बाद आउटपुट का लोकेशन कहाँ पे है वो सब यहाँ पे मेंशन है। आपके सिस्टम के यही फोल्डर के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा। उसके बावजूद बहुत सारे डिटेल्स है, जैसे कि
29 FPS में हुआ है वीडियो, उसके बाद इसका जो टारगेट बिट रेट है वो 16 MBPS पे है। ये सब डिटेल्स यहाँ पे मौजूद है। इसके बाद नीचे आते हैं, नीचे बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इफेक्ट हो गया, वीडियो ऑडियो, मल्टीपिक्सलर, कैप्शन पब्लिश, तो ये सब ऑप्शन को आपको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना है। ये जैसा है एज इट इज इसको रहने दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद सीधे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है एक्सपोर्ट। यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का बटन दिख रहा है, आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये एक्सपोर्ट पे चला जाएगा। यहाँ पे और एक चीज मेंशन है, आप देख सकते हैं एस्टिमेटेड फाइल साइज। तो ये जो फाइल साइज है हमारा, इसका एस्टिमेशन साइज कितना होगा, मतलब लगभग कितना साइज का होने वाला है, ये भी प्रीमियर प्रो आपको सबसे पहले बता देता है। जैसे कि हमारे ये 8 या 9 मिनट का जो लेंथ है, इसका फाइल साइज होने वाला है 1270 MB, मतलब ऑलमोस्ट 1 GB के आसपास। एक्सपोर्ट होने के बाद ये साइज थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये एक एस्टिमेटेड फाइल साइज है जो कि प्रीमियर प्रो के द्वारा सजेस्ट किया जा रहा है। तो ये आप समझ गए। अब हम क्लिक करते हैं एक्सपोर्ट पे। जैसे ही मैं एक्सपोर्ट को क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक नया पॉपअप सामने आता है और यहाँ पे दिखाता है आपका एस्टिमेटेड टाइम रिमेनिंग, मतलब और कितना टाइम लगेगा ये वीडियो को पूरा कंप्लीट होने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है 18 मिनट और 17 मिनट, मतलब 17 मिनट के बाद ये वीडियो रेडी हो जाएगा। तो फिलहाल मैं ये इसको कैंसिल करता हूँ। अब मेरे लैपटॉप में SSD है तो ये थोड़ा जल्दी हो रहा है, जिनके लैपटॉप में SSD नहीं है उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइस ये था हमारा प्रीमियर प्रो के ऊपर एक ओवरऑल एडिटिंग ट्यूटोरियल, उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आया होगा। वैसे मैं प्रीमियर प्रो के ऊपर एक एंड टू एंड कोर्स में बना रहा हूँ, जिसमें मोर देन 150 वीडियोस रहेंगे, मतलब 150 से ज़्यादा वीडियोस रहेंगे। उसमें आपको एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट पॉइंट टू पॉइंट रहेगा, और उसका जो लेंथ होगा वो कम से कम 25 से 30 घंटे का होगा, और उसमें सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा, और ये वीडियो के नीचे भी उसका जो लिंक है वो दे दूंगा, आप खरीद सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो गाइस ये था प्रीमियर प्रो का पूरा ट्यूटोरियल, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कोई टॉपिक या कोई सब्जेक्ट मेरे से छूट गया है तो आप प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंड करना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो उसको कमेंट में बता दीजिए। अगर वीडियो का कुछ समझ में ना आए तो फिर से प्ले करके आप उसको देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। उसके साथ ही साथ जो बंडल का लिंक है उसको नीचे दे दिया हूँ, आप उसको यूज में ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी से आप फाइनल डिसीजन ना लें, जो आने वाला 3 वीडियो है उसको भी पूरा देखिए, जो कि वेगस प्रो है, फिल्मोरा है और तबिन्स रिजॉल्व है, उसको भी पूरा देखिए। चारों वीडियो को समझिए, चारों सॉफ्टवेयर को इजीली समझिए, जो आपको ठीक लगे आप उसी पे काम करना चालू कीजिए, ताकि आगे जाके आपको उसी पे हैंड्स ऑन ज़्यादा हो और उसी पे आपको एक्सपीरियंस हो। जो गलती मैंने करा वो गलती आप मत कीजिए। जैसे कि मैं सबसे पहले सीखा वेगस प्रो, उसके बाद स्विच किया फाइनल कट पे, उसके बाद स्विच किया प्रीमियर प्रो पे, तो इसमें ऐसा होता है कि मेरा बहुत टाइम चला गया। तो वो गलती आप ना करें, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, पहले 3-4 दिन अच्छे से रिसर्च कीजिए, ये चारों वीडियो को अच्छे से देखिए समझिए, उसके बाद कोई एक पिकअप कीजिए और उसी पे काम करते जाइए। तो बस यही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। हाँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो लिंक नीचे दे दिया हूँ, वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, पीस।